क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से ज वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतेन सिंह तो बेटा आज हम कंप्लीट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को तो अभी तक हमने क्या देखा इसमें हमने डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यूज को देखा हमने कि टिश्यू किस तरह का होता है मस्कुलर टिश्यू किस तरह का होता है कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के होते हैं ठीक है ना हमने देखा है नर्वस टिश्यू किस तरह का होता है उसको देखा उसके बाद हमने आर्थ बॉम्ब को पढ़ा हमने हमने पढ़ा जो है वो कॉकरोच को देखा और कॉकरोच पे आपने काफी सारे क्वेश्चन डीपीपी में सोल्व किया आपने मैंने टेस्ट में भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए इस तरह के ठीक है ना तो हम ऑलरेडी कई सारे जो है वो हिस्से को मेजर हिस्से को हम कवर यहां पर कर चुके हैं अब छोटा सा एक हिस्सा है हुआ है फ्रॉक का

हर एक प्रकार के टिश्यू के हमने बेसिक फंडामेंटल फीचर्स को देखा और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिस्कस किया उसमें सबसे पहले हमने देखा अर्थ बॉर्म को फिर उसके बाद देखा हमने कॉकरोचेस को हमने देखा कि अर्थ बॉर्म का मॉर्फोलॉजी किस तरह का होता है उसका एनाटॉमी किस तरह का होता है किस प्रकार का उसमें रिप्रोडक्शन को देखने मिलता है देन फिर कॉकरोच के बारे में हमने बात किया देखा हमने कॉकरोच के स्ट्रक्चर को जनरल फीचर को देखा हमने मॉर्फोलॉजी को देखा उसकी एनाटॉमी को देखा और उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको देखा हमने ठीक है ना कई बच्चों के दिमाग में अभी भी ये बात चल रहा है कि सर सिलेबस में है या नहीं है ठीक है एक बात का भरोसा रखिए क्लासेस ऑनलाइन में जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ सिलेबस के अंदर है ठीक है ना इसलिए दिमाग से डाउट निकाल दीजिए किसी भी तरह फ्रॉग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मतलब जो बेटा एनसीआरटी में दे रखा है वो सब कुछ सिलेबस में है हर लेक्चर में ये बात मैं बोल रहा हूं आपसे ठीक है तो स्टॉप क्वेश्चनिंग अबाउट कि सिलेबस में है या नहीं है कि भूल जाइए उस चीज को जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रखिए क्योंकि एनसीईआरटी का इलेवंथ क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेवन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के दट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा फ्रॉक के ऊपर के ऊपर कॉकरोच के ऊपर 90 परसेंट बच्चे छोड़कर आएंगे उनको लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है नीट में सब कुछ अंडर सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाता है ठीक है और जो एनसीईआरटी है वो 90 परसेंट से ऊपर पेपर को कवर करती है ठीक है ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं ठीक है इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए इसको चलिए तो आज हम बात करेंगे बेटा लास्ट हिस्से पर हम पहुंच गए इस चैप्टर के वो है फ्रॉक ठीक है तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रॉग के ऊपर तो हम हम सब जानते हैं इट्स वेरी वेरी कॉमन एनिमल अच्छा ये बताइए आपने फ्रॉग को किस समय देखा है आपने मैं आपको ऑप्शन देता हूं बताइए मुझे आंसर कीजिएगा मैं सुन रहा हूं आपकी बात के आपने पीक ऑफ आप द समर काफी तेज गर्मी होती है मई का महीना होता है तब कभी क्या आपको फ्रॉग दिखाई पड़ता है ठीक है पीक ऑफ द विंटर जब नवंबर दिसंबर का मैं दिसंबर जनवरी का महीना होता है जोरदार ठंड पड़ रही होती है क्या तब आपको फ्रॉग दिखाई पड़ता है नहीं के ना तो पीक ऑफ द समर में हमको फ्रॉग दिखाई पड़ता है ना तो पीक ऑफ द विंटर में हमें फ्रॉग दिखाई पड़ता है फ्रॉग कब दिखाई पड़ता है फ्रॉग दिखाई पड़ता है हमें जो है वो जनरली हम देखते हैं जब बारिश का मौसम होता है रेनी सीजन होता है ठीक है जब ज्यादा गर्मी नहीं होती है ज्यादा ठंड नहीं होती तब हमको फ्रॉग दिखाई पड़ता है ठीक है ना? <laughs> मतलब हम इतना जानते हैं कि

आप देख रहे हैं आंखें जो है वो प्रोट्यूड आउट बाहर कि 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 की तरफ उभरी हुई कॉमन फ्रॉग क्या है the tigrina. ठीक चलिए हम इतना यहां कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फीचर पर बात करते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे पर एग्जाम में आते हैं जैसे मैंने आपसे कहा देर आर ओवर फाइव थाउजेंड स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फ्रॉग की हजार से अधिक प्रजातियां होती है कह रहे फ्रॉक की आप स्पीशीज काउंट करना शुरू करेंगे तो मोर देन फाइव थाउजेंड ऑफ फ्रॉक जो है वो है याद रखिएगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात पड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है फ्रॉक डोंट नीड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉक कभी पानी नहीं पीता है क्या फ्रॉग जो है वो पानी नहीं पीता है माउथ से मुंह से पानी नहीं पीता है और ये वाटर को कहाँ से लेता है ये स्किन से लेता है दे एब्जॉर्व वाटर थ्रू स्किन इंटरेस्टिंग बात है कि यानी फ्रॉग जो है उसको वाटर चाहिए तो वो अपनी स्किन से उसको एब्जॉर्व कर लेता है पानी पीने की रिक्वायरमेंट उसे नहीं होती फिर फ्रॉग जो होता है उसकी एक आवाज़ देती है हम लोग टर टर मेंढक टर्राते हैं हम बोलते हैं क्या हम लोग ये जो हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं कि मेंढक जो होते हैं वो टर्रा हैं के और इंग्लिश में कहते हैं कि फ्रॉक्स कॉल कहते हैं इसको हम के तो फ्रॉक्स का कॉल जो होता है जो मेंढक का ट्रर टर आवाज़ निकालना है वो हर स्पीसीज़ का अलग टाइप होता है और ये डिपेंड करता है और जनरली जो मेंढक मेंढक जो जोरदार साउंड निकालते हैं उसमें मोस्टली वो मे जो है वो मेल फ्रॉग होते हैं जिनके पास में जो है वोकल सेक्स पाए जाते हैं वोकल सेक होते हैं वोकल थैलियाँ होती हैं जिनसे आवाज़ प्रोड्यूस होती है ठीक है अब हमें इतना ध्यान रखना है कि तो मेंढक की जो आवाज होती है वो प्रजाति के लिए एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वो स्पेसिफिक होती है ठीक है सम फ्रॉक कॉल कैन बी हियर्ड टू ए माइल अवे कुछ मेंढक की आवाज ऐसी होती है इसको हम कई मील दूरी से भी सुन सकते हैं ठीक है ना सम फ्रॉक कैन जंप ओवर ट्वेंटी टाइम दर बॉडी वे लेंथ के एंड फ्रॉक जो है उसके हिंडलिंग याद रखना फ्रॉक के जो पीछे बारे पे पिछले पेड़ होते हैं फ्रॉक के जो पिछले पेड़ होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं ताकतवर होते हैं एज कंपेयर टू दी फ्रंट लिम्प के तो इसलिए फ्रॉग जो है वो जोर से जो है वो उन पिछले पैरों का इस्तेमाल करता है अपने बॉडी वेट को मेंटेन करता है और अपने साइज की तुलना में 20 गुना अधिक जो है वो जंप कर सकता है ठीक है ना जैसे कि एक ह्यूमन विंग्स की बात करें कि हम 30 मीटर तक जंप कर पाए क्या यदि हम अपनी बात करें तो हम तीस मीटर जंप कर लें वैसे हम बात कर रहे हैं तकरीबन तो ये ट्वेंटी टाइम जो है वो जंप कर सकता है ठीक है ना एक एवरेज ह्यूमन की आप हाइट देखोगे तो कितना होगा छह फीट के आसपास होगा डेढ़ मीटर के आसपास मान ली मान लीजिए डेढ़ मीटर हमने हाइट वन पॉइंट फाइव मीटर हमने एक एवरेज हाइट ह्यूमन बींग की मान ली तो हम अभी अपनी हाइट से बीस गुना अधिक जंप कर पाए मतलब थर्टी मीटर हमें जंप करना पड़ेगा जो कि बड़ा कठिन काम है मेडक्स जो है वो आ, जो है वो फ्रॉग जो है वो ट्वेंटी टाइम जंप आसानी से कर लेता है ठीक है ना पूरे के पूरे चाहे वो आपने अर्थ बॉर्म पढ़ा हो बेटा चाहे आपने जो है वो कॉकरोच पढ़ा हो चाहे आप फ्रॉक पढ़ रहे हो हमेशा ये सोच के पढ़िए इसको कि यू आर जस्ट गोइंग टू तो नो वन ऑफ द एनिमल आप एक एनिमल को जानने की कोशिश कर रहे हैं ये दिमाग से निकाल दो कि नीट में आएगा रटना पड़ेगा सी बी एस में आंसर लगाना पड़ेगा एम्स में आंसर लगाना पड़ेगा जब आप एग्जाम को डिसकनेक्ट करके आप केवल चीजों को जानने की कोशिश करेंगे ज्यादा याद रहेगा आपको ज्यादा याद रहेगा याद रखिएगा ठीक है मुझसे कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें याद नहीं होता है मैं कहता हूं आपसे यदि मैं आपसे अभी आपसे मैं बोलूँ ना कि आप मुझे जो है वो बाहुबली वन और बाहुबली टू की स्टोरी बताइए तो आप बोलोगे सर बाहुबली देखिए अच्छी मूवी है उसका स्टोरी हमें मालूम है कैसा होता है बल्लाल देव होता है ना ये होता है कटप्पा होता है सब बता देंगे आप मेरे उठ के यू आर इंटेलिजेंट यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड के पर प्रॉब्लम ये है आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं इसको उठ के आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले जब आपने बाहुबली मूवी देखी आपने बड़ा इंटरेस्ट लिया उसके अंदर जाके ठीक है ना आपने इंटरेस्ट लेके मूवी देखी एक एक सीन अरे बाजू वाला बात करा चुप कर दिया बात मत कर भाई हम मूवी देख रहे हैं ठीक है थीक ना ठीक इतना अटेंशन से आपने देखी उसको पैसे देकर मूवी देखी है आपने कुछ मिला भी नहीं उसके बाद केवल एक, एक हाँ अच्छा लगा बस ये ठीक है लेकिन जहां पढ़ने पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है डॉक्टर बन सकते हैं आप वहां उतना इंटरेस्ट नहीं है तो सारी बात तो इंटरेस्ट की है बात दिमाग की है ही नहीं है बेटा है ना चलो तो है ना तो इंटरेस्ट देखिए पढ़िए इसको तो मैंने आपसे कहा कि एक फ्रॉक जो होता है वो आ, कभी अपनी लाइफ में वॉटर नहीं पीता है वो अपनी स्किन से वॉटर को एब्जॉर्व कर लेता है ठीक है फिर

तो मैंने आपसे कहा और इसमें इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जब ये जमीन पर होते हैं तो दे 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 कैन दे यूज देयर लंग्स के तो वो अपने लंग्स का उपयोग करते हैं क्या ठीक है स्किन का भी उपयोग करते, मेजर, करते हैं वाटर में होते हैं तो अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है फिर ये जो फूड चेन में हम जो है फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर इन द फूड चेन एंड फूड वेब क्या जो इको सिस्टम है इको सिस्टम में जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल में फ्रॉग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल है इट्स बेसिकली ए सेकेंडरी कंज्यूम

ठीक है ना ये इकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके पता लगाया उन्होंने कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो इकोसिस्टम की जानकारी देता तो उन्होंने कहा फ्रॉग इज वेरी गुड एनिमल जो हमें बताता है कि वहां पर इकोसिस्टम में पर्याप्त मात्रा में लाइफ है सफिशियंट कंडीशन है वहां पर सर्वाइव करने के लिए ठीक है फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फ्रॉग मैंने आपको बताया कि फ्रॉग फूड वेब में क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपसे कहा कि फ्रॉग जो है वो फूड वेब में क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा सिंपल कि फ्रॉग की जो पॉपुलेशन है वो इंसेक्ट की इंसेक्ट तो बड़ी मात्रा में इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखे ना फिर फ्रॉक चूँकि बड़ हायर रिप्रोडक्शन रेट रखते हैं फ्रॉक का रिप्रोडक्शन रेट हायर होता है इसलिए फ्रॉक बड़ी संख्या में होते हैं तो उन फ्रॉक के ऊपर जो है वो बाकी का इको बाकी के जो कॉर्निवर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं उठ के चूंकि इनका रिप्रोडक्शन हायर साइड होता है और इस, इसको जो है वो ग्रीक में यानी रोमन सभ्यता में जो रोमन सिविलाइजेशन थी वहां पर जो है वो इसको आ, आ, देखा गया नोटिस किया गया तो वहां पर पहले के ज़माने में क्या होता था कि आ, जो जो लोग ऑब्जर्व करते थे के उस उन चीज़ों को देखने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट एनिमल थे उनके कोई यूनिक फीचर थे उन यूनिक फीचर को जो है वो ईश्वर की कृपा मानकर उनके बारे में जो है वो आ, लोग पूजा के उसके उसकी लोग पूजा किया करते थे के ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट में मिश्र में जो है वो फ्रॉग इज़ अ सिंबल ऑफ़ लाइफ एंड फर्टिलिटी मिश्र में जो फ्रॉग है वो जीवन का और उर्वरकता का एक सिंबल था और इजिप्ट में हम मानते हैं कि एक देवी है वहां पे हैकेट हैकेट इज ए फ्रॉक गॉडेज हु रिप्रेजेंट फर्टिलिटी के तो वहां पर जिन जो ग्रीक्स रोमन सभ्यता में जो लोग थे जिन लोगों के बच्चे नहीं हुआ करते थे जिनको जो है वो कोई राजा महाराजा है या कोई वहां पे जो है जो भी बड़े जो लोग हैं और जो भी आम पब्लिक भी है जिनको जो है वो बच्चा चाहिए था बच्चा नहीं हो पा रहा किसी कारण से तो वहां पहले के जमाने में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं करते थे तो वो केवल एक देवी की पूजा करते थे और वो देवी थी हैकेट के जिनको हम मानते थे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी ठीक है आप देख रहे हैं तस, एक तस्वीर जो ग्री जो रोमन सिविलाइजेशन के बारे में हमको ग्रीक्स इजिप्ट के बारे में हमको बतला रहा है ठीक है ना के बारे में रोमन गलत बोल रहा हूँ के बारे में इजिप्ट की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसमें कि आपको जो है वो एक जो है वो हम देख रहे हैं एक तस, एक एक, आपको जो है वो काफी पुराना जो है वो शैल चित्र बोलते हैं इसको हम के जो स्टोन पे कार्व किया गया उसको हम देख रहे हैं इसमें हैकेट को जो है वो हैकेट देवी को जो है वो दिखाया गया ठीक है ना ठीक जो कि तो आप सोच लीजिए मतलब

आप समझ लीजिए ग्रीक इजिप्ट में इजिप्ट में इनफैक्ट रोमन में भी था इजिप्ट के अंदर जो है वो का शिकार आप नहीं कर सकते थे आपके इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि क्या मालूम चला इससे इस फैक्ट से इस बात की पुष्टि होती है इस बात को प्रूव करते हैं हम कि जो फ्रॉग है उसका हायर फर्टिलिटी रेट होता है और वो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं हम ठीक ग्रुप ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड एन आर्मी जो फ्रॉग का समूह होता है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हम आर्मी वर्ड का यूज करते हैं फ्रॉग के समान ही हमको टोड दिखाई पड़ते हैं टोड और फ्रॉग में काफी डिफरेंस होता है हम आगे बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि फ्रॉग जो होता है फ्रॉग के ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं टोड के ग्रुप को हम जो है नॉट कहते हैं ठीक है ना इंटरेस्टिंग बात यह जब भी फ्रॉग बड़ी

फ्रॉग जब भी हाइबरनेट करता है तो उसकी बोन में उसकी हड्डियों में एक ले, एक रिंग बन जाती है उसकी रिंग, उसकी रिंग जो बोन होती है उन बोन के ऊपर एक बोन की कवरिंग और बन जाती है तो फ्रॉक की यदि बोन को यदि फ्रॉक की बोन को आप काटेंगे तो उसमें आपको कई सारे रिंग्स दिखाई पड़ेंगे और उन रिंग को गिनकर आप फ्रॉक की एज को बता देंगे कि कितने हाइबर क्योंकि एक साल में एक बार वह हाइबरनेट करेगा जब शीत ऋतु आएगी वह हाइबरनेट करेगा ठीक है फिर नॉर्मल नौ, नौ, मौसम होगा बाहर निकल आएगा फिर शीत ऋतु आएगी विंटर आएंगे फिर वो हाइबरनेट करेगा तो हर हाइबरनेशन में वो एक रिंग उसके अंदर बनती है के, तो हम उस रिंग को गिनके बोन के अंदर बोन में हर एक बार रिंग बनता है बोन को हम क्रॉस सेक्शन काटे और उसकी रिंग को गिनकर हम फ्रॉक की आयु का पता लगा सकते हैं ठीक है ना इंटरेस्टिंग है ना देख रहे हैं फ्रॉम बोन फ्रॉग बोन फ्रॉग बोन फॉर्म ए रिंग व्हेन वेन फ्रॉग इज हाइबर जस्ट लाइक ट्री डू साइंटिस्ट कैन यूज दीज रिंग्स टू फिगर आउट द एज ऑफ ऑफ ए फ्रॉक ठीक है ना यानी बोन को काटोगे ऐसे आपको रिंग जो है उनको देखने मिलेंगे ठीक है अब क्या फ्रॉग जहरीले होते हैं yes, यस्ट के सारी की सभी जहरीली नहीं होती है पर फ्रॉक अधिक टॉक्सिक जो पार्ट है, ध्यान से फ्रॉक का जो सबसे अधिक टॉक्सिक भाग है वो उसका स्किन होता है क्या होता है उसका स्किन होता है स्किन में पॉइजन ग पाई जाती है सबसे अधिक पॉइजनस ग्लैंड जो होती है वो किसमें होती है वो होती है गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉक में वेरी वेरी आई एम के तो गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो होता है इसकी स्किन मोस्ट होती है यदि इसका एक ग्राम पॉइंज निकाली जाए ध्यान से बस कितना स्ट्रॉन्ग uh, पॉइजन है यदि हम जो है वो गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो है उसका उसकी स्किन से हम वन ग्राम एक ग्राम पॉइजन को निकाल लें तो कितने लोग मर सकते हैं इससे इससे देखिए एक लाख लोगों को मार सकता है इमेजिन हाउ स्ट्रॉग हाउ पोटेंट दी पॉइजन कितना खतरनाक पॉइजन है ये? कि एक ग्राम पॉइजन से एक लाख लोग मर सकते हैं इतना जहरीला होता है ठीक और आप देख रहे हैं जब बत, आपको आंसर करना है है इसका जो एकदम ब्राइट येलो कलर है ये कौन सी फिनोमिना है ठीक है मैंने इकोलॉजी में आपको पढ़ाया हुआ है क्या फिनोमिना है क्या बोलते हैं बेटा इसको हम याद करो अरे यार कैसे भूल गए याद याद करो Warning coloration, correct. क्या बोलते है Warning coloration हैं 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 बेटा इसको कहते के तो याद रखना कभी लाइफ में में एक चीज दिमाग डाल लीजिए ऐसे ऐसे सारे इंसेक्ट, ऐसे सारे इंसेक्ट एनिमल्स जो ब्राइट कलर होते हैं, चमकदार होते हैं चमकते हैं डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं पे हम गाड़ी रुक देते हैं ना लाल लाइट देखते हैं हम रुक जाते हैं रेड सिग्नल पर क्या अब रूट कॉस्ट करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी ठीक है तो रेड सिग्नल जैसे होता है वैसे ही हम बात मान लेते हैं कि जो वार्निंग कलरेशन जो होते हैं ऐसे सिग्नल होते हैं कि एनिमल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ता है चमकदार दिखाई पड़ता है ब्राइट कलर का दिखाई पड़ता है और उसके अंदर जहर होता है तो आप देख रहे हैं गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉक का एक ग्राम टॉक्सिन जो है वो एक लाख लोगों को मार सकता है ठीक है

क्लास एम्फीबिया में आता है फाइलम कोरिटा के अंदर फ्रॉक जो है वो कॉरेटा में आते हैं एम्फीबिया के अंदर रखे जाते हैं इनको हम और ये लैंड में ऑफर याद रखिएगा फ्रॉक जो होता है वो यहां से पॉइंट आता है एमसीक्यू फ्रॉक मेराइन वाटर में आपको नहीं मिलते हैं लिव इन फ्रेश वाटर याद रख रखे ठीक द मोस्ट कॉमन ऑफ फ्रॉक फाउंड इन इंडिया इज रा टिग्रेना सबसे कॉमन स्पीसी क्या है वो राना टिगरेना आप देख रहे हैं फ्रॉग में आपको हेड दिखाई पड़ रहा है आई दिखाई दे रहा है फोर लिम लिम और ट्रंक के यानी बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू हेड एंड ट्रंक बॉडी को आप हेड और ट्रंक में डिफ्रेंशिएट करते हैं क्लियर चलिए फिर डो नॉट डोनॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर अब इंटरेस्टिंग बात है मैंने आपको बताया था फ्रॉक जो होते हैं बेटा ये हाइबरनेट करते हैं मैंने आपसे शुरू में ही कहा था क्या आप पीक ऑफ विंटर में दिसंबर के महीने में जोरदार ठंड पड़ रही है आपको मेंढक दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा मई के महीने में जोरदार गर्मी पड़ रही है मेढक दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये समर में एस्टिमेट करते हैं विंटर में हाइबरनेट करते हैं जब गिर अधिक तेज गर्मी पड़ती है तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते इसलिए जमीन में गहरे गड्डों में चले जाते हैं अंदर गहरा गड्ढे में अंदर जाकर जमीन

तो ये क्या होते हैं पॉइक्लोथर्म होते हैं कोल्ड ब्लड होते हैं और एंटेक्टोथर्म होते हैं ठीक फिर इंटरेस्टिंग बात यह कि फ्रॉक की एक कैपेबिलिटी होती है कि फ्रॉक जो है वो अपनी अपने कलर को चेंज कर सकता है और ये बेसिकली है ना जिस जिस इन्वायॉर्मेंट में फ्रॉक रहता है उस एनवायरमेंट में फ्रॉक जो है उस वैसी उस कलर की स्किन को डेवलप करता है है जैसे ग्रीन जो ग्रीन फॉरेस्ट में जो फ्रॉक मिलेंगे आपको वो हरे रंग के मिलेंगे आपको क्या जो आपको एकदम ग्रीन है ना एकदम ग्रीन फॉरेस्ट एक होगा वहाँ जो फ्रॉक मिलेगा आपको हरे रंग का मिलेगा जहाँ मिट्टी होगी प्लांट्स होंगे ठीक है दलदली मिट्टी होगी ब्लैक सॉइल होगी प्लांट्स होंगे वहां फ्रॉग आपको ऐसा मिलेगा जिसकी स्किन ग्रीन होगी और काले काले धब्बे होंगे ताकि वो आपको आसानी से पह, अलग से पहचान में ना आए कुर्ट के तो फ्रॉग जनरली क्या होते हैं वो अपने आप को जो है वो अपनी सराउंडिंग के समान दिखाने दिखाने की कोशिश करते हैं जो जो मेंढक आपको जो है वो डार्क स्पेसेस में अंधेरे स्थानों में नम स्थानों में देखने मिलेंगे गुफा के आसपास देखने मिलेंगे वो ब्राउन कलर के होंगे तो आप देखेंगे कि जो जो फ्रॉग जहां रहता है वैसे वैसे बैकग्राउंड के समान अपने आपको दिखाने की कोशिश करता है इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं कैमोफ्लेस करना कहते हैं के, और मिमिक्री कहते हैं इसको हम ठीक है इसके लिए हम क्या वर्ड होते हैं जो जो कलरेशन है वो क्या कहलाता है इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री कहते हैं इससे क्या होता है शिकारी इसको आसानी से ढूंढ नहीं पाता है ठीक है दे हैव दिलिटी टू चेंज दी कलर टू हाइट डैम फ्रॉम देर एनिमी अपने शत्रु से बचने के लिए रंग को परिवर्तन करने की क्षमता होती है इसे हैं और इस प्रोटेक्टिव कलरिंग की को हम क्या बोलते हैं ऑलरेडी हम इकोलॉजी में डिस्कस किए उस चीज को है ना बेटा चलो ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर पीरियड फ्रॉक टेक शेल्टर इन डीप वरुस टू प्रोटेक्ट डेम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड बिल्कुल एनसीआर टी वर्ड टू वर्ड ठीक है ना

चलिए अब हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के तो हमने फ्रॉग के जनरल फीचर देखे अब उसकी मॉर्फोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी क्यों व्हाई स्किन इज स्लिपरी एंड जो उसकी स्किन होती है वो स्लिपरी क्यों होती है ना आप फ्रॉग को यदि आप पकड़ना चाहेंगे तो आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे आपके हाथ में फ्रॉग आएगा और वो आप पकड़ेंगे इसको वो आपके हाथ से फिसल जाएगा ओके इट स्लिपरी क्योंकि इसकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड होती है और वो कंटिन्यूअसली म्यूकस को सीक्रेट करती है और म्यूकस एक चिपचिपा चिकना पदार्थ है जिसके चलते इसकी इसकी स्किन इसकी स्लिपरी आती है ठीक है क्लियर फिर स्किन इज इस ऑलवेज मेंटेन इन मोस्ट कंडीशन चूंकि फ्रॉक के यूका यूनिक फीचर यह है कि अपनी स्किन के थ्रू जो है वाटर का इंटेक कर सकते हैं यह अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं इसलिए इनको अपनी स्किन को हमेशा नम रखना होता है मोइस्चर स्किन में हमेशा हमको देखने मिलता है ठीक है द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इेगुलर स्पॉट के यदि आप फ्रॉक की बॉडी को देखेंगे तो फ्रॉक का शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है डॉर्सल सर्फेस है जो डॉर्सल सर्फेस है मैंने आपसे कहा कि ये मान लो ये मैंने आपसे कहा कि ये जो है वो एक फ्रॉग है ठीक है ना ठीक एक फ्रॉग है ये

तो जो डॉर्सल सरफेस सर्फ, बॉडी का होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है गहरे हरे रंग का होता है और धब्बे हमको देखने मिलते हैं जबकि वेंट्रल साइड स्किन का जो होता है वो यूनिफॉर्मली वेंट्रल है फ्रॉक का नीचे वाला स्किन होता है वो लाइट कलर का दिखाई पड़ेगा आपको ठीक है स्किन जी एनसीआरटी में लिखा है बेटा तो ये हमने एनसीआरटी के ठीक है चलिए हम देख लेते हैं जो लिखा है को हम समझते हैं फिगर के थ्रू के। अब गौर से देखिए आपके सामने स्क्रीन पर फ्रॉग आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉग का कलर क्या है ऑलिव ग्रीन धब्बे है या नहीं धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं बकायदा आपको ऊपर से और यदि हम इसकी स्किन को गौर से देखें ध्यान से बात समझे फ्रॉक की स्किन को आप गौर से देखेंगे तो आपको स्किन में क्या दिखाई पड़ रहा है म्यूकस ग्लैंड ठीक है ना मैं स्किन को म्यूकस ग्लैंड के जो म्यूकस को सीक्रेट कर रही है पॉइजन ग्लैंड जो पॉइजन सीक्रेट कर रही है आपको ठीक है ना और जो आपको धब्बे दिखाई रहे हैं उसके लिए क्रोमेटो फोर प्रेजेंट है जो धब्बों को बना रहे हैं पे डार्क लग के कलरेशन को कर रहे हैं ठीक है ना ये एपिटरमिस डरमिस है, है और ये मसल है ठीक है ना ये फ्रॉक की स्किन को हम देख रहे हैं ठीक है बेटा चलिए इतना बोर नहीं है यार क्या आप आप इसको ना? ये जो है ना दूध अर्थबॉम कॉक्रोच एक बार बेटा केवल जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए इसको क्या बोर नहीं क्योंकि कम क्योंकि ना पढ़ना खतरनाक है लेक्चर सुन लेंगे चीजों को, को एनसेट तो एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आप जरूर क्वेश्चन सही करके आएंगे ठीक है बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइजेबल इनटू हेड एंड ट्रंक क्या नेक और ने फ्रॉग में आपको नेक नहीं मिलेगा देखने के लिए फ्रॉग में आपको देखने के लिए टेल नहीं मिलेगा ठीक है अब दी माउथ ए पेयर ऑफ नॉस्टल जो है इसका जो माउथ होता है मुंह होता है मुंह में ऊपर आपको जो है यहां पर आपको दो नॉस्टिल एक पेयर ऑफ नॉस्टिल जो है वो देखने मिलेगा आईज आर बल्स कवर बायिंग मेमब्रेन देट प्रोटेक्ट डेम वाइल इन वॉटर इनकी आंखें उभरी हुई होती है

आई के ठीक नीचे जो है वो आपको मेमस टिम्पनम देखने मिलती है और जो टिम्पनम जो होता है वो बेसिकली जो है वो मिडिल ईयर को कवर करने वाली होती है और ये साउंड को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है याद रखिएगा एक्सटर्नल ईयर बाहर उभरे हुए कान आपको फ्रॉग में देखने नहीं मिलेंगे ठीक है ना चलिए हम देखते हैं इसमें मेजर बॉडी पार्ट क्या है बेटा हेड ट्रंक एंड लिम्प आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या है ये वाला हिस्सा इसका हो गया हेड हो गया ठीक है ये वाला हिस्सा क्या होगा इसका ये पूरा हिस्सा इसका क्या होगा ये ट्रंक हो गया ठीक है और या, आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं इसमें लिम्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको ठीक है इसमें आपको टेल और नेक रीजन देखने नहीं मिलता है क्लियर ठीक है देखिए आप ठीक है हम जो है वो एक जो है वो फ्रॉक का एक फिगर समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसके डायरे बॉडी पैर को समझ सके मैंने आपसे कहा कि देखो ये माउथ है मैंने कहा ना एक्सटर्नल लेयर्स ये क्या है नोस्ट्रिल जहां लिखा ना कि माउथ के पास में जो है वो नोस्ट्रिल होते हैं ये हो गए नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल एक पेयर हो गया देखा आपको ये देखिए ये है ना बेटा आप देख रहे हो आई जो भी डायग्राम में हमने पढ़ा भी आई आई को कवर करने वाली क्या है ये निकटेटिंग मेमब्रेन ठीक है ना आई के ठीक पीछे क्या है टिम्पेनिक टिम्पेनिकेन जो मिडिल को कवर कर रही है इसमें ठीक है ना और ये जो हिस्सा है ये आगे वाला हिस्सा है ये पूरा हिस्सा क्या है ये पूरा हिस्सा क्या है बेटा ये हेड हो गया इसमें ठीक है ना ठीक फिर सिर्फ ठीक ठीक फिर हम क्या देख रहे हैं इसमें कि डिजिट आपको पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं लिम्ब डिजिट दिखाई पड़ रहे हैं मतलब पेड़ों में इसके उंगलियां होती है वो दिखाई पड़ रहा है आपको ठीक है ना ठीक अगला हिस्सा क्या ऐसा है पेड़ का अगला अपर जो फोर लिम्ब है आगे वाले पेड़ का अगला हिस्सा कहलाता है एंटी है पिछला हिस्सा ब्रेकियम कहलाता है 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 इसका ठीक ना ये फोर दिखाई पड़ रहा फुट के ये दूसरा हिस्सा क्या यहां से लेके लेके यहां यहां से यहां तक का पूरा हिस्सा क्या है ट्रंक है बेटा और ये आप देख रहे हो पिछले पैर इसमें पिछले पैर बड़े होते हैं साइज में मजबूत होते हैं इसलिए फ्रॉक जंप कर सकता है ठीक है ना फिर कोर्स देखिए टोर्स को देखिए टो तो जो होते हैं इसमें गोर्स ध्यान से बात देखिए एक छोटी छोटी बातें दिमाग में रखे रटना नहीं पड़ेंगे आप टो देखो इसकी इसकी उंगली देखिए दो उंगलियों के बीच में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है दो उंगलियों के बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है ये देखिए एक आपको वेब दिखाई पड़ रहा है ठीक है है ये देखिए आप आपको वेब दिखाई पड़ रहा पूरा झिल्ली दिखाई पड़ रही है मतलब ये को तैरने में हेल्प करती है उसकी फिंगर जो होती है उनमें वेब्ड होती है वेब्ड फिंगर होती है मतलब उसमें झिल्ली फिंगर्स के बीच में झिल्ली पाई जाती है इससे वो तैर सकता है ठीक है चलिए द फोर लिम एंड हिंड हिंडलिम हेल्प इन स्विमिंग वॉकिंग लिपिंग एंड बरोइंग जो फोर फोरलिम और हेंडलिम होते हैं वो उसको तैरने में हेल्प करते हैं वॉक करने में हेल्प करते हैं कूदने में हेल्प करते हैं गड्ढा खोदने में हेल्प करते हैं इसमें क्या हेंडलिम पिछले पेड़ जो होते हैं उसमें पांच डिजिट होते हैं इसमें पांच उंगलियां होती हैं के और पिछले पेड़ हिंडलिम होते हैं दे आर लार्जर एंड मस्कुलर वो बड़े होते हैं मांसपेशी युक्त होते हैं फोर फोरलिम की तुलना में फोर फोरलिम में अगले पेड़ में केवल चार डिजिट होती है ठीक फीट जो होते हैं पेड़ होते हैं वो उसमें जो उंगलियां होती हैं फिंगर्स होती हैं उनमें वेब देखने मिलती है आपको जाल देखने मिलता है देखने देखने मिलती 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 है 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 एक एक ठीक 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 जिससे वो पाने में उनको हेल्प मिलती है, ठीक है ना चलिए फ्रॉग आप आपको अलग दिखाई पड़ेगा मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं तो हम क्या बात करते हम बोलते हैं है फिनोमिना को हम, ठीक है ना? कैन बी डिस्टिंग ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग के तो मेल फ्रॉक का एक यूनिक फीचर होता है कि इसमें साउंड प्रोड्यूस करने वाले हमको वोकल सेक जो है वो देखने मिलते हैं और दूसरा यूनिक फीचर होता है कि इसकी फिंगर इसकी जो है वो फोर लिमेके अगले पेरो में हमको एक कॉपुलेट्री पैड देखने मिलता है बुट के एक कॉपुलेटरी पेड देखने मिलता है जिसे डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा फिंगर में ये फिंगर से जुड़ा हुआ एक पेड है यहाँ पे

तो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि मेल फ्रॉग के पास वोकल सेक होगा और आपको जो है उसमें कॉपुलेटरी पेड फोर लिम्ब में, में आपको अगले पैरों में देखने मिलेगा ठीक है देखिए ध्यान से ये आप देख रहे हैं फ्रॉक के फ्रॉक में आप देख रहे हैं चेहरे के पास देखिए कुछ उभरे बलून के समान गुब्बारे के समान कुछ उभार दिखाई पड़ रहे हैं ये है बोकल सेक इनमें हवा भरा जाती है एंड क्या करता है प्रेशर से इसमें हवा भरता है और उसके बाद फिर क्या होता है धीरे धीरे ये हवा एयर जो है निकलती है तो जो सीटी बचती है ना वह जोरदार आवाज निकलती है जोरदार साउंड इससे होता है ठीक है तो ये है बोकल सेक हमको दिखाई पड़ रहे हैं फ्रॉक में ठीक है देखिए आप क्या जनरली दो होते हैं किसी में एक होते हैं अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके हमको देखने मिलती है ठीक है ठीक वोकल से क्या होता है बेटा इट्स ए फ्लैप ऑफ स्किन इन फ्रंट ऑफ देयर थ्रोट के इनकी गर्दन के इनका जो थ्रॉट वाला हिस्सा होता है ना नेक तो होती नहीं नीमट के थ्रॉट जो इनका हेड जहां जुड़ा हुआ है ट्रंक से उस हिस्से को हम बोलते हैं वो ज्वाइंट वाला हिस्सा हमने कहा कि जहां पर इनका इनका जो अंदर नेक नहीं होती निमट के हम बोलते हैं कि जो जो नेक जो हिस्सा फूलता है उसको हम नेक के क्यूलेंट मानते हैं बट दे आर नॉट हैविंग है तो हम कहते हैं वहां पर हमको एक जो है वो फ्लैप ऑफ स्किन दिखाई पड़ता है और जो वास्तव में फ्रॉक क्या करता है हवा को इनहेल करता है एयर को अंदर लेता है वोकल सेक के अंदर एयर को भरता है वोकल सेक जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं गुब्बारे के समान फूल जाते हैं ठीक है थीके? ये आ, अपने मुंह को बंद रखता है ठीक है फ्रॉक फोर्सेस एयर फ्रॉम सेक बैक एंड फोर्थ ओवर इट्स कार्ड प्रोड्यूसिंग अलाउड के और फिर ये जो एयर होती है वो फ्रॉक के वोकल सेक्स से जो है वोकल कार्ड तक जाती है और वहां पर जाके जो है जोरदार कंपन होता है जिससे इस एयर के कारण वोकल कार्ड में जोरदार कंपन होता है जोरदार उसमें जो है साउंड प्रोड्यूस होता है और वही साउंड हमको सुनाई देता है बाहर ठीक है ठीक तो फ्रॉग में जो है बोकल से क्या करते हैं एयर को इकट्ठा करते हैं फ्रॉग पहले हवा अंदर लेगा प्रेर प्रेशर प्रेशर से वो अपना करता है हमने पढ़ा हुआ लड़के बक्कल के से हवा एयर लेगा एयर को बोकल से अंदर डालेगा से गुब्बारे के समान फूल जाएंगे मुंह को बंद रखेगा फिर वोकल सेक से जो हवा निकलेगी वो वोकल कार्ड से होते हुए बॉडी के अंदर जाएगी और वोकल कॉर्ड से अंदर जाएगी जोरदार कंपन होगा उससे फ्रॉग आवाज करेगा ठीक है फिर फ्रॉक की स्किन में कोई स्केल्स नहीं होते हैं देर इज नो स्केल्स स्किन मोस्ट होती है स्किन में हमको स्केल देखने नहीं मिलते हैं बॉडी बाइोलेट्रिली सिमेट्रिकल होती है ठीक है हेड और ट्रंक से बनी होती है हेड सेमी सर्कुलर शेप का होता है ना हेड जो है वो ऐसा सेमी सर्कुलर शेप का होता है ठीक है

आईलिड जो होती है ये मूव नहीं करती है ये मूव नहीं करती ठीक है ना और जो लोअर आईलिड होती है ये पुअर ये लोअर आईलिड जो होती है वो पुअरली डेवलप होती है क्या तो पूरी आई को कवर करने के लिए केवल निकटेटिंग मेम्ब्रन जो है वो रोल प्ले करती है तो निकटेटिंग मेम्ब्रन जो होती है वही थर्ड आईलिड कहलाती है और वो लोअर आईलिड से अटैच होती है और ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रन होती है और यही आई को क्लीन करती है और आई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ठीक है ना मतलब फ्रॉक की जो आंखें होती है उसमें अपर आईलेट ऊपर की जो आंख की पलक होती है वो इमूवेबल होती है मोटी होती है और लोअर आईलिट प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है इसलिए लोअर आईलिट के पास से जो है वो निकेटिंग मेमब्रेन निकलती है जो आई को कवर करती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ठीक है ना याद रखना आप क्लियर बिहाइंड द आईज देर आर सर्कुलर मेमब्रेन कॉल्ड ड्रम ऑफ द ईयर और टेम्पनिंग देखिए आप ये आंखें हैं ठीक है आप देख आई के ठीक पीछे हम देख रहे हैं ये देखिए ये जो है आपको ये हिस्सा आई के ठीक पीछे ये हिस्सा है यहाँ पर आपको हिस्सा दिखाई पड़ रहा है और ये हिस्सा जो होता है ठीक है ठेके? और ये जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट सुनने वाले साउंड को सेंस करने वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल ईयर देखने नहीं मिलते हैं मिडिल ईयर की कैविटी को जो है टेम्पर कवर करतीम ऊपर से हमको दिखाई पड़ती है केस ऑफ मेल देर आर टू वोकल से एट द बेस्ट ऑफ द जॉ हमने देखा इससे भी थोड़ी देर पहले कि मेल में क्या होता है कि जॉ के निचले हिस्से में हमको दो बेकल से दिखाई पड़ते हैं जो स्किन के पाउच होते हैं और यही जो है वो एयर को भरते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करते हैं के के समान काम करते हैं जोरदार साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं ठीक है ट्रंक जो बॉडी है इसका सिलेंड्रिकल शेप का होता है द पोस्टर एंड ऑफ ट्रंक देर इज ए स्मॉल कार्ड क्लोर याद रखिएगा कि इसमें जो फ्रॉग में एनस जो है वो नहीं होता है एनस जो है वो अंदर एनस जो की ओपनिंग जो है वो एक कॉमन कैविटी है मैंने पहले भी आपको कहा था कि कि ऐसा एक हिस्सा क्लोइका क्या होता है बेटा क्लोइका होता है एक ऐसा ओपनिंग बाहर की तरफ का एक ओपनिंग होता है जहां पर एनस आके खुलता है ये एनस आके खुला है इसमें ठीक है यूरेथ्रा आके खुलेगा यहां पर ठीक है ठीक यहां से कॉमन वैसे है फिर हमने आपसे कहा कि इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सीमे नदी निकलता है तो हमने आपसे कहा कि जो है वो जो जेनेटल है वो भी आके खुलेगी तो एक कॉमन पैसेज जहां पर कि जो है वो जेनेटल सिक्रीशन हुए यहां पर कि जो है वो एक्स एक्सक्रीशन भी प्रोडक्ट नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हुए यहां पर कि वेस्टेज ऑफ फूड हुआ एलिमेंट्री केनाल के वेस्टेज हुए वो सब यहाँ इकट्ठे होते हैं फिर बाहर निकलते हैं उस कॉमन ओपनिंग को क्लोई बोलते हैं हम क्या क्लोइकल एप्रेचर बोलते हैं ओपनिंग को क्लोइकल एप्रेचर बोलते हैं और उस ऑर्गन को हम क्लोयिका बोलते हैं तो फ्रॉग में हमको क्लोएका देखने मिलता है ठीक है ना जहां से फीसेस यूरिन गैमेट सब बाहर निकलता है ठीक है ना तो क्लोएका इज द कॉमन कैविटी जहां पर की जो है वो एनस एनस के सिक्रेशन वहां पर खुलता है एनस की ओपनिंग वहां होती है ठीक है यूथ्रा की ओपनिंग वहां होती है और जो सीमे सी, से, जो सेमाइनी डक्ट होती है उनकी ओपनिंग भी वहां पर देखने को मिलती है ठीक है ना इनकेस ऑफ मेल एक क्वेश्चन लाइक पेड डेवलप ऑन द इंडेक्स फिंगर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन के याद रखिए इंटरेस्टिंग बात यह ब्रीडिंग सीजन के दौरान जब जब रिप्रोडक्शन जब, uh, का टाइम होता है तब मेल फ्रॉग में जो है वो इंडेक्स फिंगर के पास में एक पेड डेवलप होता है इसको हमने कहा ना कि कॉपुलेटरी पेड कहते हैं या इसको न्यूच्रियल पेड कहते हैं या कहते हैं और ये क्या काम करता है ये मेल फ्रॉग मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को पकड़ पाए के जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है जब कॉपुलेशन करना होता है तो मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर को, को पकड़ता है तो पकड़ पकड़ने के बाद कहीं उसके ऊपर से स्लिप ना होगी स्किन होती क्या स्किन होती है म्यूकस वाली स्लिपरी स्किन होती है हमें मालूम ना कि फ्रॉक की स्किन स्लिपरी होती है तो मेल फ्रॉक फीमेल फ्रॉक को पकड़ने के लिए क्या करता है उसके ऊपर से ऊपर जाकर चढ़कर जो है वो अपने दो, दोनों हैंड को जो है पास लेकर आता है तो यहाँ पर भी एक पैड है यहाँ पर भी एक पैड है तो ये दोनों पैड चिपक, तो चिपक जाते हैं आपस में चिपक जाते हैं ठीक है तो तो इससे इससे क्या होता है? है है पकड़ बन जाती है इसमें। तो ये जो है वो, वो के लिए इसलिए इसको बोलते है, इसलिए इसको बोलते हैं। इसे और रिप्रोडक्शन रोल प्ले करता है क्लियर ठीक तो हमेशा स्मॉलर साइज के होते हैं इसमें वेंटल सर्फेस ऑफ ट्रंक इज स्मूथ एंड फीमेल इन, इन फीमेल रफ इन के जो निचला हिस्सा होता है अब देखो जो फीमेल है फीमेल का वेंटर सर्विस निचला हिस्सा एकदम स्मूथ होता है मेल का खुरदुरा रफ होता है क्योंकि मेल फीमेल के के ऊपर सवार होता है और इसीलिए जो है वो कहीं स्लिप ना हो जाए इसलिए उसका उसका जो निचला है निचला वेंटर सर्विस जो है वो रफ होता है साथ में इसमें न्यूचल पैड न्यूचल पैड होते हैं कॉपोरेटरी पैड होते हैं पकड़ने के लिए ठीक है मेल हैज टू वोकल सेक लोकेटेड नियर दी एंकल ऑफ ऑफ एंकल्स दें के जॉ के जहां जो जहां जॉ यहां पे जुड़ता है वहां पे हमको दो वोकल सेक मेल में देखने मिलते हैं ठीक है देखिए ये हम देख रहे हैं पेट ये इसके मेल जो मे, जो मेल फ्रॉग है उसमें आप पेट देख रहे हैं पेट आपको दिखाता हूँ उसमें कहाँ है ये देखिए बोल के ये जो हिस्सा है देखा आपको दीज आर दी दिस इज नोन एज कॉपुलेटरी पेट इसे ही बोलते हैं, है हैं हम कॉपुलेटरी पेट कहते हैं या न्यूपचुअल पेट कहते हैं इसे हम ठीक है ठीक देखिए देख रहे हैं आप फोटोग्राफ फो तो में कि देखिए ये फीमेल फ्रॉग है ये फीमेल फ्रॉग है ये मेल फ्रॉग है ठीक है ड्यूरिंग पॉपुलेशन के समय इसने जो है वो पकड़ा है इसमें और आप देखिए गोर से इस तस्वीर में आपको दिखाई पड़ रहा है ये देखिए ये मेल फ्रॉग का हैंड दिखाई पड़ रहा है आपको तो ये पैड के थ्रू आपस में चिपक गया है इसमें ठीक है ना द मेल मेल्स इन लार्ज थम हैज ए पैच ऑफ टेक्सचर्ड स्किन कार्ल न्यूचल पैड हेल्प मेल क्लिंग टू द बैक ऑफ एक्चुअली में मेल और फीमेल दोनों के गेमिट वाटर में रिलीज होते हैं फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो गेमिट वाटर में रिलीज करता है फीमेल भी अपनी गैमेट वाटर में रिलीज करती है ठीक है ना तो हम यहां पर वर्ड यूज करते हैं एम्पलेक्सस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना ठीक चलिए तो आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक जनरल फीचर देखे फ्रॉक के मोरफल फीचर क्या था बस इतना याद रखना है इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्या वन शुड नो कि कितना लिमिट तक जाना है हमें कहां रुक जाना है पढ़ने को तो पूरी दुनिया है बहुत कुछ चीजें पढ़ने को इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स के अकॉर्डिंग एनसीआरटी कहां तक जाता है वहां तक हमको जाना है ठीक है कुछ चैप्टर ऐसे जहां पर एनसीआरटी के काफी बियॉन्ड जाकर जानना होता है ठीक है ना

ये जो जो आ, की हम बात करें ठीक ना हम बात करें प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम की हम बात करें जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल यहां पर पहले आप एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन अच्छे से याद कीजिए उसके बाद कुछ और देखिए ठीक है ना तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फ्रॉग के जनरल फीचर्स क्या होते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के ऊपर तो पढ़ते रहिए बेटा मेहनत करते रहिए बेस्ट ऑफ लक तो कैसा लगा आपको फ्रॉक की मॉर्फोलॉजी जानकर कि आपने देखा कि फ्रॉक जो है वो उसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं कई सारी ऐसी जानकारी आपको मिली जो आपने कभी पहले सोची थी फ्रॉक के बारे में हां अब आपको जो है वो बरसात के दिन है अभी मंडक दिखाई पड़ता है अब आप आपको फ्रॉक दिखाई पड़ेगा ना तो मुझे मालूम है आप देखकर पूरी मॉर्फोलॉजी आप रिकॉल कर लेंगे आपके तो एक काम करते हैं मार्फोजी देखने देखने के बाद अब एक काम करें बेटा अब हम पढ़ते हैं इसकी एनाटॉमी और उसके हम दूसरे हिस्से को देखते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं आप आप के और इसके रिप्रोडक्शन को समझते हैं चलिए तो हां आपको यदि ब्रेक लेना है तो अभी आप ब्रेक ले लीजिए ठीक है लेकिन लेक्चर शुरू होने के बाद फिर मैं क्लास में से उठकर नहीं जाने दूंगा चलिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स लेक्चर में हमने बात किया था फ्रॉक की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने फ्रॉक के जनरल फीचर्स को देखा था आज हम बात करेंगे फ्रॉक की एनाटॉमी के बारे में ठीक है इस चैप्टर में ऑलरेडी जो है अर्थ बम को पढ़ चुके हैं कॉकरोच को पढ़ चुके हैं हम फ्रॉक को हम पढ़ रहे हैं अभी ठीक है इसके अलावा हमने फंडामेंटल टाइप ऑफ टिश्यूज की टिश्यू के क्या फीचर होते हैं मस्कुलर टिश्यू के क्या फीचर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के क्या फीचर होते हैं क्या टाइप्स होते हैं और न्यूरल टिश्यू के क्या फीचर होते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एग्जामिनेशन ठीक है तो पिछली क्लास में देखा था कि फ्रॉक के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे मैंने आपसे कहा था कि फ्रॉक के दिया बॉडी को देखेंगे तो आपको हेड और ट्रंक दिखाई पड़ेगा आपको टेल और नेक नहीं दिखाई पड़ेगा हमने देखा था कैसे हम मेल और फीमेल फ्रॉक को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ठीक है ना हमने फ्रॉक की आई के बारे में देखा था उसके ईयर के बारे में पढ़ा था हमने ठीक है चलिए तो एक काम करते हैं अब हम अब हम फ्रॉक के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉक को sorry to disturb you in between lecture but it's important to inform you you should download bio Mentors app from google play store we need your support so please take subscription to become an official commando of bio Mentors. bye bye continue your lecture फ्रॉक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ऑलमोस्ट आपको सारे ऑर्गन देखने मिलेंगे पेंक्रास देखने मिलेगा लिवर देखने मिलेगा गॉल ब्रेडर देखने मिलेगा आपको ठीक है ना मतलब ऑलमोस्ट जो है आप जैसे एक एक डेवलप एनिमल में सारे जो ऑर्गन देखते हैं वो सब कुछ आपको देखने मिलेंगे फ्रॉक के अंदर भी इसीलिए जब हम लोग जब मैं पढ़ता था बायोलॉजी में इलेवंथ और ट्वेल्थ में था तो मैंने फ्रॉक का डिसेक्शन क्या हुआ है और मैंने माउस का डिसेक्शन क्या हुआ था चूहे को मैंने काटा हुआ है फ्रॉक को मैंने काटा हुआ के इलेवंथ क्लास में हम लोगों को फ्रॉक का डिसेक्शन करवाया करते थे और ट्वेल्थ में माउस का डिसेक्शन करवाते थे वो ठीक है ना और दैट वो वो जो जो जब आप डिसेक्शन करते हैं दैट जो है वो आपको ऐसा मुझे पर्सनली मुझे चूहे के का डिसेक्शन किया मर गए चूहे कई सारे दुख मुझे हुआ लेकिन दैट इज़ दी पॉइंट जब डिसशन करने के दौरान मुझे पहली बार लगा कि टू सेव लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है जो जो लाइफ को से चूहे का डिसीशन किया लाइफ को जो सेक्रीफाइस किया गया उसमें तो उसका उसका आ, प्राशित यही है उसका जो है वो आ, जो आउटकम है वो ये है कि हमको जो है वो मेहनत करना चाहिए अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए कई लोगों की लाइफ को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ठीक है ना चलिए तो अब हम उस विषय में बात नहीं करते हम इस पर बात कर, फोकस करते हैं कि फ्रॉक की एनाटॉमी क्या कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें हम तो फ्रॉक के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड हमको देखने मिलती है ठीक है एलिमेंट्री केनाल शॉर्ट होती है क्योंकि फ्रॉग होता है कॉर्निवर्स याद रखिएगा जो जो हारवी होते हैं उनके अंदर डाइजेशन को जो है उसकी प्रोसेस स्लो होती है क्योंकि उसमें जो है वो मोर मोर वेज मटेरियल को लेने के बाद एनर्जी को निकालना पड़ता है और एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वहाँ पर ठीक है इसलिए जो हार्विवर एनिमल होंगे उनके इंटेस्टाइन आपको लॉन्ग देखने मिलेंगे एज कंपेयर टू द कॉर्निवर एनिमल कॉर्निवर एनिमल जो कॉर्निवर्स फूड लेता है उसमें एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है इसलिए कम फूड में कोई भी वो डाइजेस्ट करके अपना काम चला सकता है ठीक है तो फ्रॉग में एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है क्योंकि ये कॉर्निवर्स प्रकृति के होते हैं ठीक है थीके? माउथ ओपन इन टू बक्कल कैविटी दैट लिस्ट टू दीफे थ्रू दी फायरिंग सिंपल सी बात है माउथ जो होता है मुंह जो है वो बक्कल कैविटी में खुलता है बक्कल कैविटी ईसोफेगस से कनेक्टेड होती है और ईसोफेगस बक्कल इसो फेगस बक्ल के फायरिंग जो हमको इस ट्रांजिशन को जो है वो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मालूम है हमको नॉर्मल ऑर्गे में क्या होता है मुंह है बक्कल कैविटी है फायरिंग है फायरिंग्स के बाद फिर ईसोफेगस तो क्या लिखा है माउथ जो है बक्कल कैविटी में खुलता है बक्कल कैविटी से ईसोफेगस थ्रू होता है थ्रू दी फैरिंग्स ठीक है ना मतलब माउथ हो गया बकल कैविटी हो गया फैरिंग्स हो गया देन ईसोफेगस ठीक ईसोफेगस क्या होता है एक शॉर्ट ट्यूब होता है मालूम है हमको बिल्कुल जनरल फीचर है बेटा कुछ अलग से आपको आप सोच रहे हैं, कुछ अलग से नहीं वो जो हमने पढ़ा ना एनिमल ह्यूमन फिजोलॉजी में जो डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा हुआ है हमने बस ऑलमोस्ट वही इस फंड थोड़ा बहुत परिवर्तन चेंजेस हैं वो हम देख लेंगे यहां है ना बाकी हमको बेसिक फंडामेंटल वही है ठीक है इस शॉर्ट ट्यूब होता है जो स्टमक में ओपन होता है ठीक है विच इन टर्न कंटिन्यू टू द इंटेस्टाइन स्टमक इंटेस्टाइन से जुड़ता है ठीक है और फाइनली रेक्टम एंड देन क्लोिका ठीक है याद रखिए

ठीक है फेरिंग्स के बाद आप देख रहे हैं इसोफेगस ठीक है इसोफेगस के बाद आप क्या देख रहे हैं यहां पर स्टमक ठीक है ना स्टमक के साथ में आप देख रहे हैं बाजू में देख रहे हैं आप में लिवर गॉल ब्लेडर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है ना ठीक एनस क्लोइका ठीक है ना ठीक देन एक ऑर्गन छूट गया वो है पेंक्रियास थीके. तो ये जो हमने जो रेड बॉक्स में बनाया है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉक के अंदर तो एलिमेंट्री केनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड ठीक है ना तो एलिमेंट्री केल में क्या है बेटा देखो माउथ है माउथ के फायरिंग्स है फायरिंग एसोफेगर है देन देन है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है देन एनस एंड फाइनली क्लोएका ठीक है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो क्या है वो है आपका लिवर हो गया ठीक है पेंक्रियाज हो गया गॉल ब्लैडर हो गया ठीक है ये ये, ये ये क्या हो गया ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गए यहां पर ठीक है D'accord. एक जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आपको किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर एनसीईआरटी के डायग्राम कलर्ड है और एग्जाम में ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए तो मैंने आपसे कहा ना कि बेटा उन डायग्राम को या तो सिंपल सा तरीका है कल मैंने कहा था कि फोटो कॉपी करा लें आप उसको और एक अच्छा तरीका आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं फोन से आप फोटोग्राफ लीजिए फोटोग्राफ को ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए जाके एडिट में जाके ठीक है ना तो आपको जो डायग्राम जैसा दिखाई पड़ेगा वो आपके फोन के अंदर भी आपको आप उसको देख सकते हैं ठीक है ना तो आप देखिए ये वही एनसीआरटी वाला डायग्राम है इसको मैंने ब्लैक एंड

तो ये हम ये रिप्रेजेंट करता है फिगर 7.20 जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉक शोइंग दी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो याद रखिएगा इसको ठीक तो इसोफेगस यानी कुछ पा, पार्ट से पहले इस इस के आगे क्या होगा फायरिंग्स होगा फायरिंग्स आगे क्या होगा बक्कल कैविटी होगा बक्कल कैविटी शुरू कहां होगा? से होगा माउथ से शुरू होगा वो ठीक है ना चलिए ठीक

टीथ केवल आपको अपर जॉ में दिखाई पड़ रहे हैं लोअर जॉ में आपको टीथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसमें एक टंग दिखाई पड़ रही है आपको इसमें ठीक है ना फिर आप देख रहे हैं इसमें आपको जो है वो गलेट ओपनिंग दिखाई पड़ रही है यहाँ से फूड जो है अंदर जाएगा में जाएगा वो आपको दिखाई पड़ रहा है ठीक है ना तो यहाँ देखिएगा फ्रॉक के माउथ में टीथ केवल अपर साइड में होते हैं ठीक है ना लोअर जॉ में टीथ नहीं होते हैं ठीक है ना और गोड से देखिए आप कि आपको इसमें माउथ के अंदर जो है वो दो हिस्से ऐसे उभरे हुए हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है ना ये आंख आईज होती है ना बड़ी आई तो उस आई का ही निचला हिस्सा वहाँ पे जो है वो माउथ के उसने शिकार भाग नहीं सकता अब शिकार को निगलना है तो निगलने के लिए क्या करता है ये अपने लोअर जॉ की हेल्प करता है और कई बार अपनी आंखों को जो आई को जो है अंदर की ओर दबाता है जब आई अंदर की ओर दबती है तो जो दो दो उभार दिखाई पड़ना ये उभार बाहर नीचे निकल आते हैं शिकार को अंदर की ओर धकाने में ये हेल्प करते हैं तो आइस की भी हेल्प लगता है ठीक है फिर आप देखिए इसमें हमने इसके जो है वो डाइस दा, सिस्टम को ओपन किया हम बेहतर फिगर हम देख रहे हैं पे तो आप देख रहे हैं आप, आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें लीवर दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है है आपको आपको इसमें आपको इसमें स्टमक दिखाई पड़ रहा है पेंक्रियास ठीक है आप लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडनम वाला पोर्शन भी आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें ठीक है तो ये हम एक जो है वो जब आप डिसेक्शन करते हैं फ्रॉक का तो आपको इस प्रकार के जो है वो स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं

देखिए आप है ना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर फ्रॉक की आप जो है वो टंग को आप देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि फ्रॉक की जो टंग है वो बाई लोब उसमें जो है वो निकले हुए हटके और ये बड़ी आप याद रखिए फ्रॉक की जो टंग होती है ना ये शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करती है ठीक है देखिए आप ये फ्रॉक की टंग हिटके तो इस पर ही वो बाहर की रोपना आएगी उसके दोनों लोब खुल जाएंगे उसके उठके अभी हमको दिखाई फोल्ड अभी ये फोल्ड हो गई टंग इसलिए हम उसको समझ नहीं पा रहे हम ठीक ना देखिए आप ये देखिए शिकार को पकड़ने के लिए टंग को इसने जो है यूज इस्तेमाल किया इसके दोनों लोग जो है वो शिकार के तरों को चिपक जाते हैं उनके तो शिकार भाग नहीं पाता ठीक है ना ठीक स्टिकी जो उसका टंग के ऊपर सिक्रेशन होता है वो भी स्टिकी टाइप का होता है तो शिकार को पकड़ने में हेल्प मिलती है इसे क्लियर डाइशन ऑफ फूड टेक्सप्लेक्शन जूसे स्टमक स्टमक में वही हमारे साथ एच सी एल निकलता है गेस्ट्रिक जूस निकलता है ठीक है ना पार्सली डाइजेड फूड को काम कहते हैं हम जो एसिडिक नजर का होता है ये स्टमक से कहां जाता है ड्यूडन में जाता है अंदर भी ऐसी होता है कोई यूनिक बात है यहाँ पे नॉर्मल जो पड़ा है वही सब कुछ है ठीक है ना ड्यूडेनम रिसीव बाइल फॉर्मेटर ड्यूडेनम में गोलबेटर से बाइल रिसीव करता है वो ठीक है ना और पैंक्राइटिक जूस जो है वो से आता है कॉमन बाइल में भी ऐसी होता है ठीक है ना बाइल फैट को इमल्सिफाई करता है पैंक्राइटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ठीक है बिल्कुल वही जो सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर है वही सब कुछ हमको फ्रॉक के अंदर दिखाई पड़ रहा है इसीलिए हम फ्रॉक का डिशेक्शन करते हैं स्कूल में ठीक इसलिए फ्रॉक की एनाटॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू तो अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी आल्सो ठीक है है ना तो ये बेसिक बेटा क्योंकि जो है मेडिकल कॉलेज के बगैर आपको ह्यूमन बॉडी कहीं पे भी आप नहीं देख सकते ओपन करके ठीक ठीक है है इट्स नॉट लीगल मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह होती है जहां पर आप ह्यूमन बॉडी को ओपन करके देख सकते हैं तो बायोलॉजी में जितने भी रिसर्च होते हैं इसके तो पहले वो फ्रॉक पर माउस पे किए जाते हैं उसके बाद फिर ह्यूमन के ऊपर उसको लेकर आया जाता है ठीक आप देख रहे हैं ऑलरेडी देखा हमने कि करेंगे तो हमें क्या बॉडी पार्ट यहां पर दिखाई पड़ेंगे ठीक? देखिए देखिए आप और बेहतर इसमें, तो हमने टंग, हम टंग देख 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 हम रहे 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 हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, फिर क्या है ये हिस्सा हो गया ईसोफेगस ठीक है ये क्या हो गया बेटा ये हो गया बक्कल कैबिटेड ये वाला हिस्सा क्या होगा इसका फैरिंग्स ठीक है आप देख रहे हैं तो टंग वोकल कैविटी फैरिंग्स देन इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है ठीक है ना चलिए समझ में आ रहा है ना आपका एक दिमाग में देखो ये फिगर मैं इतने सारे क्यों दिखाता हूं दिमाग में एक इमेज रहना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आप आप आंखें बंद करेंगे फिगर्स आपको इम, फिगर दिमाग में घूम जाएंगे आप करके क्योंकि ब्रेन का दोनों हिस्से में लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो हिस्सा होता है उसमें से एक हिस्सा ब्रेन का यदि आप राइट हैंडर है ठीक है तो आपका ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा ज्यादा काम करता है ठीक है और यदि आप लेफ्ट हैंडर है तो राइट वाला हिस्सा ज्यादा काम करता है तो जो जिस जिससे हमने हम यदि हमारा ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा ज्यादा काम करता है तो राइट वाला हिस्सा जो है वो हमारे जितने भी हम जो फिगर देखते हैं उसको वो स्टोर करके रखता है वो ठीक है तो जब हम फिगर्स कई सारे देखते हैं तो हमारे ब्रेन को मैं मेमोरी को प्रोसेस करने में हेल्प मिलती है क्योंकि मेमोरी का मैं फिगर का स्टोरेज एक अलग जगह पर होता है और जो फैक्ट हम याद करते हैं उसका स्टोरेज अलग जगह पर होता है ठीक है ना इसलिए मैं आपको कई सारे फिगर दिखाता हूँ याद रखिएगा फिगर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फिर फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लस इन द इंटेस्टाइन बिल्कुल सही बात है ह्यूमन से भी ऐसे होता है डायस्टेड फूड इज एब्सोर्ड बाई द्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड ऑफ द इनर बॉल ऑफ द इंटेस्टाइन बिली या माइक्रो बिली कहते हैं ये भी पढ़ा है हमने में भी ऐसे होता है ठीक है द अनडाइस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इन टू रेक्टम रेक्टम तक पहुंचता है ह्यूमन में भी होता है पास थ्रू आउट द क्लोएका याद यहां फर्क है यहां पर फर्क है ठीक है क्लोएका ह्यूमन विंग्स में नहीं होता है ह्यूमन विंग्स में जो ओपनिंग है वो एनस के थ्रू बाहर खुलता है यहां पर क्या होता है कि रेक्टम ओपन होता है एक कॉमन कैविटी में से हम क्लोका बोलते हैं वहां पर यूनिरी ट्रैक भी ओपन होता है वहां पर जेनेटल ट्रैक भी ओपन होता है ठीक है ना तो क्लोएका में ओपन होता है ठीक ये फर्क है फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वॉटर बाय टू डिफरेंट मेथड मालूम है के पास में यूनिक फीचर ये होता है कि फ्रॉग जो है वो लैंड में जब जमीन पर रेस्पिरेशन करना होता है तो अपने लंग्स की मेजर हेल्प लेता है थाके? जब वाटर में करना होता है तो अपनी स्किन की हेल्प लेता है वो ठीक है ना इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसे हम कुटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं ठीक है और इससे वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है उसको वो स्किन के थ्रू ले सकता है थीके? तो फ्रॉग जब वाटर के अंदर रहेगा तो वो कुटेनियस रेस्पेशन करेगा और वाटर में घुली हुई जो ऑक्सीजन उसको वो स्किन के थ्रू ले सकता है ठीक है देखिए आप फ्रॉक में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सीओ को देख रहे हैं आप तो लंग्स के थ्रू ले सकता है ये?

याद आया आपको ठीक है तब मैंने आपसे कहा था कि फ्रॉग जो होता है उसमें प्रेशर टेक्निक इस्तेमाल करता है फ्रॉग अपने मुंह के अंदर एयर को लेता है बक्कल कैविटी को बंद करता है और प्रेशर लगाता है तो लंग्स फूलते हैं फिर जब हवा बाहर निकाली होती है तो लंग्स में प्रेशर लगाता है तो फिर वो हवा बाहर निकलती है

अब के लंग्स लंग्स अब के को हम देख रहे हैं। लेफ्ट और राइट लंग हम को दिखाई पड़ रहा है माँथ है, है, इसमें। ठीक माउथ माउथ के पास में ओपनिंग है, इसमें ए, ए, दोनों लंग्स कनेक्टेड हैं राइट और लेफ्ट दो लंग्स हमको देखने मिलता है ठीक मैंने आपसे कहा था इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन नोस्टिल ओपन बक्कल कैविटी एक्सपांड नॉस्ट्रिल ओपन करेगा बक्कल कैविटी को एक्सपांड करेगा नॉस्ट्रिल को क्लोज नाक को क्लोज करेगा ग्लॉटिस को ओपन करेगा बक्कल कैविटी को कॉन्ट्रेक्ट करेगा प्रेशर क्रिएट करेगा और लंग्स को जो है वो फुला देगा लंग्स दे, को ये फुला देगा लंग्स okay? को ये फुला देगा ठीक है बक्कल कैविटी को एक्सपांड करेगा लंग्स को कॉन्ट्रेक्ट करेगा और एयर को नॉस्ट्रिल को ओपन करेगा ग्लॉटिस क्लोज करेगा और बक्कल कैविटी वेटी करके एयर को बाहर निकाल देगा तो द लंग्स ऑफ फ्रॉग आर बेसिकली प्रेशर लंग्स ठीक है जब आप माउथ से प्रेशर देंगे तो लंग फूल जाएगा जब आप माउथ से लंग्स को कंट्रेट करेंगे तो एयर बाहर निकल जाएगा देखिए आप ध्यान से ठीक है ये फिगर और बेहतर तरीके से हम करता है कैसे देखो आप बक्कल कैविटी के अंदर एयर को लिया उसने ठीक है बक्कल कैविटी पूरा फूल गया मुंह को बंद किया नाक को बंद किया उसने मुंह को प्रेस किया उसने तो लंग्स देखिए फूल लिया उसमें ठीक है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्लोज प्रेशर को क्रिएट किया फाइनली क्या हुआ फाइनली लंग्स फुल गए पे। क्लियर ऑनलाइन बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग एक्ट रेस्पिरेटर के जब फ्रॉग लैंड पर होता है तो बक्कल कैविटी हुआ इसका जो उसका मुंह होता है माउथ से भी ये, ये, ये एयर को एब्सर्व कर सकता है इसके अलावा इसका लंग्स भी रोल प्ले करते हैं और उसका जो है वो स्किन भी रोल प्ले करता है

समर स्लिप में होता है या विंटर स्लिप में होता है एस्टिवेशन में होता है या हाइवर में होता है तो वो रेस्परेशन करता है स्किन के थ्रू करता है केवल और केवल कुटेनियस रेस्परेशन तब वो करता है The vascular सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप के frog जो होता है इसमें जो वेस्कुलर सिस्टम होता है इट इज वेल डेवलप्ड फ्रॉ वेल डेवलप्ड होता है क्लोज टाइप का होता है सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप फ्रॉग है टिक सिस्टम ऑल्सो फ्रॉग में लिंफैटिक सिस्टम होता है याद रखिए जैसे ह्यूमन बींग्स में आपने देखा था ना कि वेस्कुलर सिस्टम होता है, होता है तो वेस्कुलर तो सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप क्लोज टाइप फ्रॉग है सिस्टम ऑल्सो तो फ्रॉग में हमको क्या बताया बता? हमको लिंफैटिक सिस्टम भी देखने को मिलता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो है वो हार्ट होता है ब्लड वेसल होता है और ब्लड इसमें इन्वॉल्व होता है थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसको हम थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं चलिए तो अभी हम आ, फिलहाल ठीक है फ्रॉग में हमने आपसे कहा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है वो हार्ट हुआ ब्लड वेसल हुए और ब्लड जो है वो इन्वॉल्व होता है ठीक है लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ इन्वॉल्व होता है लिम्फ चैनल इन्वॉल्व होते हैं और लिम्फ रोड इसमें इन्वॉल्व होते हैं ठीक है ठीके? तो हम देख रहे थे बेटा इसमें कि वास्तव में यदि हम सिस्टम की बात करें इसमें तो हमने कहा था कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो फ्रॉग में वेल डबलप क्लोज टाइप का होता है ठीक है लिम्फेटिक सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टर्बेंस हुआ इसके चलते वीडियो को जो है वो बीच में जो है वो एच डी एम आई का प्रॉब्लम था तो उसको चेंज करके देन का कर, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी ठीक चलिए तो फ्रॉक का हम देख रहे हैं यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम को दिखाई पड़ रहा है फ्रॉक का हम देख रहे हैं अच्छा एक चीज बताइए मुझे छोटी सी बात मुझे दिमाग में आई कि आप बताएंगे मुझे कि फ्रॉक के सर्कुलेट सिस्टम में जो हार्ट इन्वॉल्व है हार्ट में कितने चेंबर होते हैं प्लीज आंसर मी मीटर यस करेक्ट परफेक्टली ऑल राइट फ्रॉक के अंदर yes, right. के, के हार्ट में जो है हमको तीन थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है और बेटा तीन चेंबर कौन से होते हैं बताइए दो

जब वेंट्रिकल से ब्लड पंप करेगा तो ब्लड क्या होगा प्यूरिफाइड ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या मिक्स ब्लड होगा आंसर कीजिए ना क्या होगा वेरी गुड मिक्स ब्लड होगा क्योंकि क्या होता है कि एम्फीबियंस के अंदर जो है वो मिक्स ब्लड जो है वो क्योंकि दोनों एट्रियम से ब्लड आएगा वेंटिकल में जाएगा तो वेंटिकल में जो है वो डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स कर जाएगा इसलिए मिक्स ब्लड जो है वो पंप होगा हार्ट से हार्ट इज ए मस्कुलर टिश्यू सिचुएटेड इन दी अपर पार्ट ऑफ दॉ बॉडी केविटी हार्ट जो होता है मस्कुलर टिश्यू होता है बॉडी केविटी के अपर पार्ट में जो है वो सिचुएड होता है इसमें तीन चेम्बर होते हैं दो एट्रियम होता है एक वेंट्रिकल होता है और ये जिस से घिरा होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं बिल्कुल ह्यूमंस के अंदर भी पेरिकार्डियम देखा था हमने है ना फर्क इतना है कि जो मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर जो हार्ट होता है बेसिकली क्या होता है वो फोर चैम्बर हार्ट होता है रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल के अंदर जो है वो फोर चेम्बर हार्ट हमको देखने मिलता है एक ट्राइंगुलर स्ट्रच वेरी वेरी आई एम पीट इंपॉर्टेंटर पूछा एग्जाम के एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं साइनस विनोसस ज्वाइन द राइट एट्रियम याद रखिएगा ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको ह्यूमन हार्ट में मैंने नहीं बताया के तो साइनस विनोसस जो होता है वो राइट एक्ट्रियम से जुड़ना जुड़ने वाला एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो वीना केवा

डायग्राम को बड़े ध्यान से इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। तो जो के पहले आप देखेंगे आपसे कहा कि एक तो आ रहा है ठीक है के, एक आ रहा है राइट एंटीर बिना के बाद रहा है एक पोस्टर बिना के बाद रहा है तो देखो ये जो जो साइनस विनोस है वो क्या चाहिए एक बिना के वाय यहां से आया ठीक, एक बिना के वाय आया ठीक है ना देखिए आप ठीक है ऐसा ये जो है ये पूरा एक साइनस बना हुआ पूरा ये तो इसके अंदर तीनों है। पूरी जो कैविटी ये है साइनस वीनोस इसके अंदर ब्लड जाएगा पहले और फिर यहां से राइट एक्टर में ब्लड को दे दिया जाएगा ठीक है ना चलिए रहे हैं साइनस वीनोसस क्लियर

द ब्लड फ्रॉम हार्ट इज कैरीड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज आर्टरी सिस्टम के थ्रू आता है वो तो इतना याद रखना कि साइनस विनोसस जो होता है वो राइट एट्रियम के पहले प्रेजेंट एक सेक होता है जबकि कोनस आर्टेरस जो होता है वेंटिकल के बाद प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को आगे फ्लो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है तो हमने और हार्ट तक वापस लाने के लिए जो वीनस सिस्टम जो है हमको देखने मिलता है देखिए आप जो स्ट्रक्चर हमें ध्यान देना है वह है कोनस आर्ट्रोस देखिए यह वेंटिकल एब ध्यान देना डायग्राम पर

ठीक है ना इसको कोनस आर्टेरियोसस कहते हैं ठीक देख रहे हैं आप साइनस वीनोसस कोनस आर्टेरियोसस के वेंटिकल के बाद में कोनस आर्टेरियोसस और राइट एट्रियम के पास में साइनस वीनोसस याद रखना पूछा था बड़ा कॉमनली इसलिए मैं आपको बता रहा हूं

पैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम को देखने मिलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के तो पैटिक पोर्टल सिस्टम होगा और रीनल पोर्टल सिस्टम हमको देखने मिलेगा देखिए आप ठीक है अब आप देख रहे हैं इसमें ये आपको दिखाई पड़ रहा है ये आ... देख रहे हैं आपके लिवर है लिवर में आप देखेंगे आप पूरा ब्लड जो इंटेस्टाइन स्टॉक सारा सप्लाई इकट्ठा होकर कहाँ आ रहा है लिवर की ओर जा रहा है वो और फिर उसके बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये कि दिस इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ठीक है और द सेम विद द किडनी आप देखें किडनी में भी बॉडी का पूरा ब्लड आके किडनी की तरफ जा रहा है और वहाँ से फिर वो सप्लाई होता है तो रिनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को देखने मिलता है ठीक है

इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएट होती है और इसमें हिमोग्लोब होता है याद रखना फ्रॉक की आरबीसी में न्यूक्लियस देखने मिलता है ह्यूमन आरबीसी जो है है वो ई e होती उसमें न्यूक्लियस देखने हमको नहीं मिलता है मैच्योर आरबीसी में लिम्फ जो है ब्लड से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन और आरबीसी नहीं पाए जाते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाई पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट हार्ट ब्लड को पंप करता है इसलिए ब्लड पूरी बॉडी में जो है वो लगातार सर्कुलेट होता रहता है ठीक ये देख रहे हैं the, uh, of, uh, और और हम फ्रॉक की आरबीसी दिस इज दी पिक्चर ऑफ आरबीसी ऑफ फ्रॉक और यदि हम इसको ह्यूमन आरबीसी से कंपेयर तो ह्यूमन का आरबीसी कैसा होगा ह्यूमन का आरबीसी आपको बगैर न्यूक्लियस का इस तरह का बाइक ऑन आपको देखने मिलेगा दिस इज दी दिस इज ह्यूमन आरबीसी ये हम देखेंगे ये हो गया ह्यूमन आरबीसी हो गया ये ठीक है मेमल का आरबीसी हो गया और ये किसका ये फ्रॉक का आरबीसी है ठीक है इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज इज कैरिड आउट बाई ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रिटिव सिस्टम नाइट्रोजनस वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए एक वेल well डेवलप्ड हमको एक्सक्रिटिव सिस्टम फ्रॉग में देखने मिलता है और एक्सक्रिट सिस्टम में क्या शामिल है एक वन पेयर ऑफ किडनी यूरिटर क्लोएका और यूरनरी ब्लेडर इसमें शामिल होता है ठीक है तो एक्सक्रिट सिस्टम में क्या है यहाँ पे हमको बाकायदा किडनी यूरिटर क्लोएका और यूनिनरी ब्लेडर हमको यहाँ पर देखने मिलेगा किडनी क्या होते हैं किडनी दे आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड वीन लाइक स्ट्रक्चर हमें मालूम है किडनी का जो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इसका है कॉम्पैक्ट डार्क और जो है वो वीन लाइक है ना वीन लाइक इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमको किडनी देखने मिलेंगे सिचुएटेड लिटिल पोस्टर टू बॉडी ऑन बोथ साइड ऑफ ऑफिकल कॉलम वर्टिकल कॉलम के, के, के बोथ बो साइड जो है वो बॉडी कैटी में हमको ये देखने मिलेगा पीछे की तरफ देखिए अब आप किडनी के एनसीआरटी का ही डायग्राम है हम देख रहे हैं देखो बेटा ना ये देखिए किडनी है ये है ना बॉडी में पोस्टर साइड पोस्टर साइड हमको देखने मिलेगा ये और कहा वर्टिबल कॉलम जो बीच से वर्टिबल कॉलम गुजरेगा तो इसके आजू बाजू हमको ये देखने मिलेगा ठीक है किडनी अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए किडनी से निकल रहा है यूरेटर जानते हैं हम किडनी से यूरेटर गला यूरेटर कहां जाके खुल रहा है यूरेटर जाकर खुल रहा है पर आप देखो यूरेटर जाके खुल रहा है कहां पर क्लोएका में यूरेटर के अंदर जाके खुल रहा है ठीक है थीके? और ब्लेडर ठीक है, उसके बाद दिखाई रहा है यूरेटर सीधा क्लोयका में खुल रहा है है फिर से ओपनिंग यूरेटर में खुले ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है हम देखें यूरेटर डायरेक्टली ओपन इन टू दी क्लोएका सीधा क्लोयका में खुल रहा है और उसके बाद हमको ब्लेडर यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है ध्यान अब देखिए और साफ साफ के ¡To! अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि जो जो यूरेटर है उसको कायदे में तो ब्लेडर में खुलना चाहिए था और फिर ब्लेडर को खुलना चाहिए था क्लोएका में तो यहां पर बेटा ऐसा होता है कि क्लोएका ओपनिंग जनरली क्लोज होती है तो जो जो भी सिक्रेशन आएगा जो भी जो भी रिलीज होगा यानी फ्रॉक में बेसिकली यूरियोटेलिक यू, 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 होते हैं तो जो किडनी प्रोसेस करेगी और जो भी एक्सक्रिप्टिव मेटर आएगा वो क्लोएका में ओपन होगा जब क्लोएका के अंदर स्पेस नहीं होगी देन इट स्टोर इन दी यूरिनरी ब्लेडर के और जब 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 क्लोएका ओपन होगा बाहर निकालना होगा तो ब्लेडर भी कॉन्टेक्ट करेगा और जो किडनी से लगातार आ रहा है वो भी बाहर निकल पाएगा यहाँ पे तो ब्लेडर यहाँ पर जो है वो क्लोएका के बाद जब जगह नहीं होती है तो वहां पर यूरिन को वो स्टोर करता है फर्क एक एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट बची और देखिए कि यहां पर आप देखेंगे कि मेल जो मेल फ्रॉग है जो, जो मेल फ्रॉग होता है इस मेल फ्रॉग में मेल फ्रॉग में आप देखेंगे टेस्टिस है ठीक है टेस्टिस जो होते हैं

और जो स्पर्म के, को कैरी करने वाली डक्ट दोनों फ्यूज कर जाती है एक साथ जो दोनों जो है वो आगे बढ़ता है मतलब एक यूनिटर जो है वो गैमिट भी कैरी करता है उसको हम बोलते हैं डक्ट कहते हैं जो डक, जो क्लोयिका में आकर खुलती है फीमेल देखिए आप ठीक है फीमेल फ्रॉक की बात कर रहे हैं ठीक है फीमेल फ्रॉक में क्या है आप देख रहे हैं ये ओवरी है ओवरी का ओविडक ओवरी का जो है ओवीडक्ट ओवरी का जो ओवरीडक्ट है ओवरी है इसका डक्ट यहाँ क्लोयिका में खुल रहा है ठीक है

मेल फ्रॉग में यूरेटर एक्ट एज यूरिनो जेनेटल डिच ओपन इंटू दी क्लोका मेल फ्रॉग में यूरेटर जो होता है इंपॉर्टेंट बेटा वो यूरिनो जेनेटल डक्ट के समान काम करता है क्योंकि वो मेल गेमिट स्पर्म को भी कैरी करता है जबकि फीमेल में यूरेटर और ओबीडक्ट जो होते है होते हैं अलग अलग क्लोयका में खुलते हैं याद रखना ठीक है तो अलग से कोई स्पर्म को कैरी करने वाला डक्ट नहीं, है, नहीं। होता है जो यूरेटर होता है उसके थ्रू स्पर्म को कैरी किया जाता है पर थिन वॉल्ड यूनिटी ब्लेडर इज प्रजेंट वेंट्रल टू दैक्टम रेक्टम रेक्टम के वेंट्रल में जो पोर्सन में निचले हिस्से में जो है वो हमको थिन वॉल्ड यूनिटी ब्लेडर देखने मिलता है जो क्लोईका में ओपन होता है फ्रॉग एक्सक्रिट यूरिया दस दे आर दूर यूरियोटेलिक एनिमल फ्रॉग जो है वो यूरियोटेलिक एनिमल होता है सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन इज हाईली इवाल्व इन दी फ्रॉग फ्रॉक के अंदर यदि आप नर्वस सिस्टम की बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे तो आपको डेवलप देखने काफी डेवलप देखने मिलेगा आपको हार्मोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी लाइफ साइकिल ऑफ दी फ्रॉक थायरोक्सिन थायरोक्सिन यदि हार्मोन ना हो तो फ्रॉक जो है वो मोल्डिंग नहीं, नहीं कर सकता फ्रॉक जो तो है एडल्ट फ्रॉक टेडपोल एडल्ट फ्रॉक में मेटामोरफोसिस नहीं कर सकता ठीक है तो मेटामोरफोसिस के लिए जो है वो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा नर्वस सिस्टम इसके पास होता है जो जो बाकी एनिमल की तुलना में काफी डेवलप प्रकार का होता है ठीक है हम देख रहे हैं इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय द हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं ठीक है थीके? आप देख रहे हैं हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैंने आपसे कहा नजल से के ब्रम दिखाई पड़ रहा है आई दिखाई पड़ रहा है ऑप्टिक ट्रैक दिखाई पड़ रहा है मेडुला है इसमें और मेडुला गोर्स से मेडुला ऐसा हिस्सा होता है जो ब्रेन से पार पास होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड से आकर वो जुड़ता है ठीक है मेडुला है, देन, देन है वो

क्या दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें हम देख रहे हैं थाइमस दिखाई दे रहा है आपको बॉडी दिखाई 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 पड़ पड़ रही रही है, दिखाई है, दे रहा तो ऑलमोस्ट समझ गोनाट हैं ये भी जो है वो सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं थायराइड ग्लैंड मैक्स थायरोक्सिन को बनाता है टू कंट्रोल हार्ट रेट मेटाबॉलिज्म एंड मेटामॉरफोसिस थायराइड ग्लैंड यदि फ्रॉग से निकाल दिया जाए तो फ्रॉग टेडपोल से टेडपोल से थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो मेटामोरफोसिस नहीं हो सकता है ये क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछा गया है ठीक है तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉग स्पॉन एक उसके फिर टू डेज ओल्ड टेडपोल टू वीक ओल्ड टेटपोल एट वीक ओल्ड वीक ओल्ड टेटपोल और एडल्ट फ्रॉग के तो फाइनली जो है वो मेटामोरफोसिस में थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द प्रोमिनेट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर प्यूटरी ग्लैंड होता है थारॉयड ग्लैंड होता है फ्रॉग में पैराथाइर ग्लैंड होता है थाइमस होता है पीनियल बॉडी होता है पेंक्रेटिक आइलेट्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड होता है और गुनाट दीज आर दी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इन दी फ्रॉग रोल वाइज वही सारे जो ह्यूमन बॉडी में वही रोल इनके अंदर होते हैं द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड इसमें याद रखिएगा फ्रॉग में हमको स्पष्ट जैसे हमने कॉक्रोच में देखा था कि ब्रेन पूरा स्प्रिट था ना बॉडी के हर हिस्से में ब्रेन का एक, एक गैंगलियन प्रेजेंट था इसलिए कॉक्रोच में हेड काटने के बावजूद वो सर्वाइव कर रहा था यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू थ्रू का है यहाँ पे तो ब्रेन जो है हमको फ्रॉग में देखने मिलता है और इसके बाद पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से बना होता है ठीक है आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिम्परेटिक और पैरासिम्परेटिक नर्व हमको देखने मिलती है याद रखना वेरी वेरी आई एम पी ब्रेन से निकलने वाली जो क्रेनियल नर्व होती है वो संख्या में टेन पेयर होती है टेन पेयर ऑफ क्रेन नर्व दस जोड़ी टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो है वो ब्रेन से निकलती है हमको ठीक है और ब्रेन जो होता है वो एक बोनी स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स बोलते हैं स्कल का वो हिस्सा इसके अंदर ब्रेन होता है क्या बोलते हैं ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहते हैं उसे हम ठीक है अब देखिए ब्रेन ऑफ फ्रॉक फ्रॉक के ब्रेन को ध्यान से देखिए आप आपको फ्रॉक के ब्रेन में जो है वो फैक्ट्री लोब दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें शरीर हैमिस्फेर दिखाई पड़ रहा है पीनियल बॉडी दिखाई पड़ रहा है प्यूटरी ग्लैंड जो एंडोक्राइन वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है इससे क्लोजली एसोसिएट होता है फिर डाइन ऑप्टिक लोब दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें फैक्ट्री लोब क्या है वो जो है फ्रॉक frog... स्मेल कर सकता है सूंघ सकता है और ऑप्टिक लोब क्या है देख सकता है फ्रॉक नर्व दिखाई पड़ रही है क्या है बॉडी पोस्टर को मेंटेन करने में रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है पोस्टर को मैनेज करने में रोल प्ले करता है तो ब्रेन के आपको डिफरेंट हिस्से यहाँ पर फ्रॉक में दिखाई दे रहे हैं ठीक है ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइड होता है फोर ब्रेन के अंदर जो है वो ब्रेन के अगले हिस्से में जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं बीच वाले हिस्से को मिड ब्रेन बोलेंगे पीछे वाले हिस्से को हम हिंड ब्रेन बोलेंगे तो फोर ब्रेन में ऑल्फेक्ट्री लोब्स पेयड सेरिब्रल हेमिस्फेयर और अनपेड डाइन सेफेनॉल हमको देखने मिलते हैं ध्यान से बात सुनिए अनपेड के आप क्या देख रहे हैं फोर ब्रेन के अंदर ऑलफेक्ट्री लोब है मतलब सूंघने जो स्मेल करने वाला ब्रेन का हिस्सा है वो

और फाइनली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वर्टिकल कॉलम से घिरा होता है ठीक है तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो फोरामेंट मैग्नम होता है स्कल के अंदर जो ओपनिंग होती है वहां से बजाय स्पाइनल कॉर्ड के मेडुला वाला हिस्सा नीचे तक आता है और फिर वहां से उसके बाद फिर जब नीचे आ चुका होता है देन फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है तो हम देख रहे हैं ये ब्रांड के हम ये फ्रॉक का एक्चुअल ब्रांड का फोटो का आप देख रहे हैं हम देख रहे हैं इसका कि आप देख रहे हैं इसमें फोर ब्रांड ये आगे वाला हिस्सा क्या हो गया बेटा ये फोर ब्रांड हो गया ये मिड ब्रांड हो गया और ये क्या हो गया यह, इसका हिंड ब्रांड वाला हिस्सा हो गया इसमें ठीक है ये मेडुला वाला हिस्सा नीचे निकलता है ठीक आप देख रहे हैं इसमें ये मेडुला वाला हिस्सा है ये जो है वो फोर मैग्नम को क्रॉस करता हुआ जो नीचे तक जाता है ठीक है जो होता है ओपनिंग होती है स्त्री होती है इससे को क्रॉस होकर वो नीचे ट्रंग से कनेक्ट करता है फिर फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस और फ्रॉग में डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसे कि टच के लिए सेंसरी ने याद फ्रॉग में टच के लिए सेंसरी पेपली होते हैं टेस्ट के लिए टंग पर टेस्ट बर्ड होते हैं स्मेल के लिए नजल नजर होती है विजन देखने के लिए आईज होती है सुनने के लिए टेम्पेनम होती है जिससे इंटरनल एयर जो है कनेक्टेड होता है ठीक है मिडिल एयर देन इंटरनल एयर कनेक्टेड होता है Out of these. आई और इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इसमें से हम देखें तो आंखें और जो आईज होती हैं और ईयर होते हैं दे आर दी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जबकि बाकी सभी जो है वो सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं सेल के समूह होते हैं जो नर्व एंडिंग हैं चाहे नजर एपिथिलम की बात करें टेस्ट वर्ल्ड की बात करें सेंसरी पपली की बात करें तो यहाँ पर सेल्स का क्लस्टर होता है जो नर्व एंडिंग से जुड़ा होता है और ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि फ्रॉग जो है वो टच के लिए सेंसिटिव है वो स्मेल कर सकता है वो टेस्ट कर सकता है वो देख सकता है और वो सुन भी सकता है

एक्सटर्नल ईयर जो है वो नहीं पाए जाते फ्रॉग में केवल टिम्पेनम जो होती है बाहर से हमको दिखाई पड़ती है और वो ईयर को मार्क करती है कि ईयर इसके तो ईयर इन अनऑर्गन ऑफ ईयरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग जो फ्रॉग के अंदर जो कान होता है ईयर होता है उसमें इंटरनल ईयर भी होगा उसके अंदर और इंटरनल ईयर जो होता है वो सुनने के अलावा जो है वो बॉडी को बैलेंस करने में भी रोल प्ले करता है ठीक है

जो यूरिटर ये जो कलेक्टिंग डट है फाइनली यूरिटर में जाकर कन्वर्ट होगा यूरिट्र से जाकर जुड़ेगा वो तो यूरिटर से जो है वो स्पर्म भी बाहर निकलता, निकलता है और यूरिन भी बाहर निकलता है यहां पर ठीक है दे इंटर इन द किडनी ऑन द आइदर साइड एंड ओपन इन टू विडर्स क्लांट के तो हमेशा

ठीक है डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा थ्योरी की बजाय अब हम बात करते हैं से गोर से समझ में आ ना बोर तो नहीं हो रहे पक्का? चलो, हम देख रहे हैं किडनी है अब गोर से आप। ये ये क्या हो रहा है बेटा ये टेस्टिस और किडनी को जुड़ा हुआ आपस में ठीक है डायग्राम बड़े ध्यान से फिर आप देखिए ये जो है वो डक्ट है निकलाफ्रशिया निकला

बीडर्स नाल किसमें देखने मिलती है मेल फ्रॉग में या फीमेल फ्रॉग में मेल फ्रॉग में देखने मिलती है बीडर्स पर होती है किडनी में टेस्टिस में किडनी में होती है ठीक है ना क्लियर डायग्राम सामने आपके देखिए तो हम देख रहे हैं कि यह है फिर किडनी से जो बाहर निकलेगा वो होगा यूरिनो जेनाइटल जन, जन, है बाहर निकलेगा जिसमें स्पर्म भी होंगे और यूरिन भी होगा क्लोरिका इज ए स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर यूरिन स्पर्म टू एक्सटीरियर फीमेल रिपोर्टिक ऑर्गन जो होते हैं वो उसमें हमको एक जोड़ी ओवरी का एक पैर देखने मिलेगा हमको ओवरी जो होते हैं वो किडनी के पास होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी जैसे कि मेल फ्रॉग में क्या था किडनी और टेस्टिस दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं एंड टेस्टिस से स्पर्म बने किडनी में विडर डाल दिए गए विडर केनाल में डाल दिए गए और विडर केनाल से वो कहाँ जाकर जुड़े कलेक्टिंग डक्ट में जाकर जुड़े वो और फिर एक साथ यूरिन और स्पर्म बाहर आते हैं ठीक है परंतु ऐसा कोई फंक्शनल कनेक्शन जो है वो फीमेल फ्रॉग में ओवरी और किडनी के बीच में नहीं होता है जो एक ओविडक्ट का एक पेयर जो होता है वो ओवरी से निकलता है और सीधा क्लोइका में सेपरेटली जाकर खुलता है ठीक है एक मैच्योर फीमेल जो होती है वो जो है वो एक बार में 2500 2500 से लेके 3000 के आसपास जो है ओवम को प्रोड्यूस करती है इसीलिए फ्रॉक का फर्टिलिटी रेट हायर साइड होता है इसलिए इसको जो है वो जो है इजिप्ट में हैकेट नाम की देवी माना गया था फ्रॉक को फ्रॉक को उसका प्रतीक माना गया था और हेकेट एक देवी थी जिनको फर्टिलिटी की देवी मानते थे बताया था मैंने लेक्चर उसके पहले वाले लेक्चर में तो एक मैच्योर फीमेल में तकरीबन 2,500 एक मैच्योर फीमेल 2,500 से लेके 3,000 एक को एक बार में देती है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है वाटर में होता है आप देखिए गौर से के ये मेल फ्रॉग है फीमेल फ्रॉग है ठीक है वो एम्प्लेक्सेस कर रहा है फ्रॉक को फीमेल फ्रॉक ने फीमेल फ्रॉक को पकड़ लिया है और पकड़ने इसके बाद जो है वो बेसिकली हम इसके लिए एम्प्लेक्सेस वर्ड यूज करते हैं उसके जो जो पॉपुलटरी पैड थे उसने उसकी हेल्प से जो है वो है, हैंड को सामने से जोड़ लिया पकड़ ऐसे ऐसे चिपका लिया हैंड को उसने तो ये फ्रॉक को फीमेल फ्रॉक को पकड़े हुए हैं फिर क्या होता है फीमेल फ्रॉक जो होती है वो फीमेल गैमेट को रिलीज़ कर रही है मेल फ्रॉक जो है वो मेल गैमेट को रिलीज कर रहा होता है और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है वाटर में होता है ठीक है डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज को टेडपोल देना डेवलपमेंट जब होगा फ्रॉग तो सीधा -सीधा नहीं बनेगा सीधा, -सीधा नहीं बनेगा एडल्ट फ्रॉक फॉर्म होगा टेडपोल अंडरगोज मेटामॉरफोसिस टू फॉर्म ठीक है फिर form, form जहां से देखिए इसमें हम देख रहे हैं एडल्ट फ्रॉग ने एक दिए ठीक है एक जो है वो फर्टिलाइज हुए बाहर फिर एक से में एमरो डेवलप हुआ फिर उससे टेडपोल निकले जो वाटर प्लांट से आके जुड़ जाते हैं फिर उन टेडपोल के अंदर जो है एक्सटर्नल गिल डेवलप हुआ ब्रीथिंग करने लगे वो फिर टेल ग्रो करना शुरू इनमें फिर इनमें जो है वो टेल ग्रो की टेल के थ्रू वो वाटर में तैरते हैं और इस समय केवल गिल के थ्रू जो है वो रेस्परेशन कर पाते हैं फिर धीमे से जो है इनमें हिंडलेग ऐप पर होता है फिर इसके बाद जो है हिंड लेग पिछले पेड़ पहले ऐप पर होते हैं उसके बाद जो है वो कुछ समय के लिए टेडपोल फूड लेना बंद करता है और वो अपनी टेल के अंदर जो भी फूड इकट्ठा होता है उस फूड को कंज्यूम करता है इसलिए धीमे धीमे टेल गायब हो जाती है के फिर उसके बाद जो है फ्रंट लेग एपर एप होते हैं और फाइनली टेल जो है शॉर्ट छोटी होती है टेल गायब हो जाती है और एक यंग फ्रॉग बनता है देन वो अपना साइज बड़ा करता है एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है ये जो तो डायग्राम है सारी फ्रॉग की लाइफ साइकिल को शो करता है ठीक है देखिए और इस देखते हैं और थोड़ा अच्छा फिगर देखते हैं एक देख रहे हैं ठीक है एम्ब्रो इन साइड फिर गिल्स आउट साइड फिर आप देख रहे हैं टेड पोल गिल स्किन क्रोज ओवर गिल फिर धीमे धीमे देखिए हिंड लेग फॉर्म हुए हैं फिर टैल गाय शॉर्ट होना शुरू हुई और फाइनली एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है है ना ठीक तो टेल जो है वो फ्रॉग के टेड पोल में होती है पर एडल्ट फ्रॉक में टैल नहीं होती है फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे इट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट दि क्रॉप मैंने पहले भी आपसे कहा है कि फूड वेव के अंदर फ्रॉग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल में से एक है क्योंकि ये क्या करते हैं ये इन्सेक्ट की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं और दे आर हैव ग्रेट फर्टिलिटी रेट इनका फर्टिलिटी रेट अधिक होता है इसलिए है. अपने से ऊपर वाले जो प्रोड्यूटर है शिकारी हैं उनके लिए खुद एक फूड के रूप में भी काम करते हैं तो इको सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड भी करते हैं ठीक है ना कहते हैं ये फूड चेन में इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं इसके अलावा कई कंट्रीज में जो है फ्रॉक के जो मस्कुलर लेने फ्रॉक का बड़े पैमाने पर, पर स्मगलिंग भी होता है फ्रॉक का बड़े पैमाने पर पे शिकार भी कहता है ट्रॉपिकल एंड रैंडफॉल्स से तमाम तरह के फ्रॉक को पकड़ा जा रहा है कई फ्रॉक की स्पीसीज को जो है वो खत्म होने की कगार में पहुंच चुकी क्योंकि उनका बड़े पैमाने पर जो है फूड के रूप में आजकल इस्तेमाल होने होने लगा है। के आप बोलोगे सर हमने तो इंडिया में कभी किसी को मेंढक खाते हुए नहीं देखा है लेकिन कभी आप चाइना जाइए कंबोडिया जाइए आप चाइन वियतनाम जाइए आप जापान जाइए आप के आप ताइवान जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो फ्रॉक को डेलीकेसी के रूप में खाते हैं फ्रॉक वहाँ पर जो है वो एक महंगी और बेहतर डिश के रूप में बिकता है तो हम देख है, रहे हैं, रहे हैं है तो तो है, फूड वेब वे, वे फूड वेब आपको दिखाई पड़ रहा है चेक पॉपुलेशन ऑफ द इंसेक्ट फूड वेब में फ्रॉक जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एनिमल में से एक है ठीक है फिर मैंने आपसे कहा कि जो फ्रॉक की डेलीकेसी की मैंने बात की आपसे दिस इज ए वन ऑफ द इन जापान जापान के अंदर जो एक फेमस रेस्टोरेंट है जिसमें जो है वो इस प्रकार की तस्वीरें जिन्होंने जिन अपने एड में डिस्प्ले की हुई है और आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें कि फ्रॉक के लेग्स को किस प्रकार से पकाया गया है ठीक है आप, ये देखिए आप फ्रॉक ये वेरी कॉमन एंड आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि सर ये क्या दिखा रहे हो हमको एक्चुअली में ये जो जो हमारे लिए बड़ा टैबू है बड़ा अजीब सा है हमारे लिए वो कई कंट्री में बड़ा नॉर्मल नॉर्मल के तो वहां के डेलीकेशी में से एक है ठीक है यहां पर यहां पर हमारा चैप्टर जो है, है के। और याद रखिए 99%, 99 क्वेश्चन इस पोर्शन से आएगा तो वो एनसीआर से ही आएगा तो हमारे जितने भी लेक्चर है उन लेक्चर में हमने पूरा पूरा एक एक हिस्सा कवर किया है साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताए गए ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे कई सारे फिगर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं समझने के लिए इसको तो बेटा पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए अब यहां पर ये यह चैप्टर कंप्लीट होता है ठीक है ठीक तो अभी हम जैसे नॉर्मल कोर्स में क्या हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग लोको मोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर हमारा चल रहा है अब हम नया नया फिजोलॉजी ह्यूमन फिजोलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे चिंता मत कीजिए हम मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोर्स को हम जो है पूरी पूरी, पूरी बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोर्स को जो है वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करूँ लेकिन ये कि वी शुड डू जस्टिस विद वॉट वी आर स्टडिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके साथ में जस्टिस होना चाहिए लेक्चर सुनने के बाद आपको लेक्चर में ही चीजें याद होना चाहिए ठीक है ना चीजों को रिपीट भी करता हूँ बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ इन्वेस्ट कर रहे न, उस टाइम को इन्वेस्ट कर आपको रटना ना पड़े कुछ ना है, तो वो सब बचता है, को हम को याद कर लेते हैं थैंक यू वेरी मच पूरा लेक्चर देखने के लिए कि आपने देखा और आपने जो है वो नोट किया हाँ ठीक है बहुत सारा बेटा नोट करने का था नहीं इसमें कुछ पॉइंट नोट करने के कारण सब कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ाया गया चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लंबा लेक्चर था मैं समझ सकता हूं थोड़ा थक भी गए होंगे आप लेकिन मुझे मालूम है कमांडो कभी रुकते नहीं है कभी थकते नहीं है इसलिए उठ खड़े हो कमांडो अगले लेक्चर के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा मैं हमेशा कहता हूं मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है तो यहाँ तो हमको जो है वो यदि मेहनत करनी पड़ेगी और मैं कि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन आती है और हमको बेटा उसके लिए लगातार प्रयास करना है तो चलिए ऑल दी बेस्ट पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.